हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा? चलो हम लोग मार्क टेस्ट फर्स्ट का बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वेलोसिटी दिया, सॉरी एक्सीलरेशन यानी डी एक्सीलरेशन दिया है, निगेटिव के साथ दिया बेटा, और बी वेलोसिटी है। कह रहा बी नॉट इज द वेलोसिटी एट ओरिजिन इनिशियल, तब तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब तक फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए बेटा। इसका मतलब हो गया कि रिटार्डेशन ए बराबर दिया हुआ है बेटा, एक तरीके से के अंडर रूट बी माइनस शो करता है रिटार्डेशन। तो हम लोग लास्ट में माइनस लगा लेंगे क्योंकि हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। ए को ब्रेक कर दो बेटा डी बी अपॉन डी टी में ब्रेक कर दो, यहाँ से चैन रूल में ब्रेक कर दो इसको। ये हो गया हमारा डी बी अपॉन डी एक्स, और ये बन गया बेटा डी एक्स अपॉन डी टी, हो गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो गया, चेक कर लो, डी बी अपॉन डी टी, ठीक है, सही बेटा, बराबर हो गया के अंडर रूट बी। सबसे लास्ट में हम लोग माइनस लगा लेंगे, जहाँ छूट जाए वहाँ ध्यान रखना बेटा। डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होगा बेटा, फिर से डी एक्स अपॉन डी टी हमारा फिर वेलोसिटी हो गया, तो ये बन गया यहाँ से बेटा डी बी अपॉन डी एक्स हो गया, यहाँ से वेलोसिटी हो गया, बराबर हो गया के अंडर रूट बी के, हो गया क्लियर बेटा। यहाँ से आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया, इसको उधर लेके चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, डी बी अपॉन डी एक्स, ये हो गया बेटा डी बी अपॉन डी एक्स हो गया, यहाँ से बी हो गया, बराबर हो गया के अंडर रूट बी, चेक कर लेते हैं, वही है, ठीक है बेटा, डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया बेटा डी बी ऐसे है, और बी हो गया अपॉन अंडर रूट बी हो गया, बराबर हो गया के डी एक्स हो गया बेटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, लोअर लिमिट हमारा बी नॉट है बेटा, अपर बी है, ध्यान रखना फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ध्यान रखना। तो ये हो गया जो अंडर रूट बी है बेटा, तो इसका मान कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया बी का पावर हाफ हो गया, डी बी हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ से बी नॉट से बी हो गया बेटा, बराबर हो गया के हो गया, और डी एक्स का एक्स हो गया, ध्यान रखना जीरो से एक्स तक इंटीग्रेट हो गया, यहाँ से बन गया ये इंटीग्रेशन, यन प्लस हाफ होता है, प्लस हाफ अपान हो गया सीधा 3/2 हो गया, लिमिट यहाँ से रख दो बेटा, ये हो गया बी नॉट और बी हो गया, ध्यान रखना ये माइनस के एक्स के रिस्पेक्ट में आया हुआ है, तो रिटार्डेशन वाला माइनस यहाँ पे यूज कर लो बेटा, रिटार्डेशन का जो माइनस था यहाँ पर यूज कर लो, क्योंकि अभी फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो ये आंसर माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट के मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये बराबर यहाँ से आ गया बेटा 2/3 ऊपर हो गया, के भी नीचे आ गया, के नीचे आ गया हमारा, और ये बन गया बी का पावर 3/2 हो गया, यहाँ से बी नॉट हो गया, और बी बराबर यहाँ जीरो हो गया, बराबर माइन, अब तो केवल यहाँ क्या बचा बेटा, एक्स बच गया, बराबर ये आ गया x बराबर, यहाँ से कह सकते हो x बराबर हो गया 2/3, यहाँ से x बराबर 2/3 हो गया, k हो गया, और ये बन गया बेटा 0 माइनस हो गया b नॉट का पावर 3/2 हो गया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कर दो, तो x बराबर ये हमारा आंसर आ गया, जितना आया बेटा आंसर मैच कर लेना, कैलकुलेशन एक अपने से चेक जरूर कर लिया करो बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, जब हमारा फोकल लेंथ सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमारा जब हवा में है तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ बेटा, तो ये हो गया 1/f बराबर हो गया यहाँ से म्यू माइनस 1, तो ये 1.5 - 1 हो गया बेटा, और यहाँ से हो गया 1/r1, और ये हो गया +1/r2 हो गया बेटा, ध्यान रखना r1 r2 दोनों बराबर है, r1 r2 ये कोई कहा नहीं गया है, कहीं लिखा नहीं r1 r2 बराबर है, तो ये हो गया, ये तो पता ही होगा R1 का सिंबल पॉजिटिव होगा बेटा, और R2 का सिंबल कितना होगा, निगेटिव होगा, तो ये बन गया, ये इक्वेशन वन हो गया। देखो इसमें बिना सॉल्विंग के भी टिक मार सकते हो, जब इसको लिक्विड में डिप किया गया है तब देखो क्या बन गया है, फार लिक्विड, देखें फार लिक्विड हो गया, यहाँ से हो गया, तब इसका फोकल लेंथ XF हो गया बेटा, ये बराबर हो गया, ये हो गया 1.5 अपान हो गया रिफ्रेक्टिव लिक्विड का -1 हो गया, और ये सेम बन गया 1/r1 - 1/r2 बेटा, ये इक्वेशन टू। देखो ऑप्शन से ऑप्शन ऐसा लिखा है कि डायरेक्ट टिक आप लगा सकते हो, म्यूएल पूछा गया बेटा, म्यूएल एक तो ये रूल है कि डिवाइड कर दो और एक्स एफ और म्यूएल के टर्म में एक इक्वेशन बना लो, एक्स की मान बैरी कर दो 1 से लेके ज़्यादा तक कुछ, और एक जनरल वैल्यू आ जाएगा बेटा, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है। म्यूएल का मान अगर आपने 1 कर दिया बेटा, तो ये 1 अगर कर दोगे सॉरी 1.5 एग्जैक्ट अगर 1.5 कर दोगे बेटा, तो 1.5 कट जाएगा, -1 यानी 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो फोकल लेंथ लेंस का इनफाइनाइट यानी ये प्लेन मिरर की तरीके से बिहेवियर करेगा, तो म्यूएल का मान 1.5 नहीं हो सकता है, उससे छोटा होगा, क्लियर है बेटा, छोटा होगा तभी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे
म्यूएल का मान 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 होगा बेटा तो मीडियम एयर हो जाएगा, तो म्यूएल का मान 1 से ज्यादा होगा और बेटा 1.5 से कम होगा। तो देखो बी ऑप्शन डायरेक्ट आप टिक मार सकते हो बेटा, यहां से रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। वैसे जनरल क्या है, डिवाइड करके और वैल्यू निकाल लो बेटा यक्स या फॉरस के रूप में, लेकिन यहां डायरेक्ट दिख रहा है। सबसे फिर से एक बार समझ लो, म्यूएल 1 नहीं हो सकता, 1 हो जाएगा तो एयर हो जाएगा, तो 1 नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा होगा। 3/2 नहीं एग्जैक्ट हो सकता, क्योंकि 1.5/1.5 1 बन जाएगा, 1-1 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो प्लेन मिरर बन जाएगा। तो म्यूएल का मान 1.5 से कम होगा और बेटा 1 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा बना, बी ऑप्शन बेटा। तो डायरेक्ट टिक कर लेना, या मैथमेटिकल करना है तो डिवाइड करके एक्स एफ और म्यूएल के वैल्यू टर्म्स में निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम चार्ज होता है, निगेटिव में टूवर्ड्स चार्ज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटेंसिटी हम E1 मान लेते हैं, इसका बेटा E2 मान लेते हैं, इसका हम E3 मान लेते हैं। तो E1 भी कहाँ होगा, देखो टूवर्ड्स चार्ज होगा, ये देखें टूवर्ड्स पॉइंट हो गया, सॉरी E1 जो बना पॉजिटिव है, तो P पर निकालना अवे फ्रॉम चार्ज हो गया, निगेटिव के कारण टूवर्ड्स चार्ज होगा बेटा E2, निगेटिव के कारण बेटा टूवर्ड्स चार्ज हो गया, देखें ये हो गया E3 हो गया। इसका मतलब E नेट कितना हो गया, E नेट हमारा बराबर हो गया बेटा E1 प्लस E2 प्लस क्या हो गया E3, तीनों का सम बराबर है। रख देना सब निगेटिव जेड एक्सिस में है, क्योंकि जेड एक्सिस ऊपर है, तो निगेटिव जेड एक्सिस हो गया बेटा। यहाँ से आ गया E1 का मान आ गया σ/2εo-k हो गया बेटा। ऐसे E2 का मान आ गया है, देखें सिमिलरली बेटा अगर E2 की बात किया जाए तो ये हो गया है, E2 का मान आ गया है 2σ/εo, और ये हो गया बेटा माइनस के हो गया, सबका सम कर देना। ऐसा E3 बराबर हो गया σ/εo-k हो गया, सबका सम करोगे तो 4 times डायरेक्ट दिख रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है बेटा। हम लोग जानते हैं अगर रिवर में शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर हमें बोट को अपने डालना है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अपोजिट डालते हैं, नॉर्मल से थीटा एंगल पर डालते हैं, और फार्मूला आता है टी बराबर होता है विड्थ ऑफ रिवर अपान होता है वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस होता है रिवर का स्क्वायर। यहाँ सबकी वैल्यू रख देना बेटा, डी बराबर हमारा दिया हुआ है 2 किलोमीटर दिया हुआ, ध्यान रखना। अपान हो गया, ये आंसर आ गया बेटा, यहाँ से आ गया ये 100 का 100 हो गया, माइनस हो गया 36। ध्यान रखना जो टी आएगा वो आ गया आवर्स में आ गया बेटा, इसको मिनट में चेंज कर लेना, ध्यान रखना इसको कन्वर्ट करके किस में चेंज कर लेना, मिनट में, आंसर मिनट में दिया बेटा। सॉल्विंग अपना घर पे फटाफट करना। कह रहा है एक कार है सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 200 मीटर है, तो कह रहा है उसका एवरेज स्पीड कितना होगा बेटा। हम लोग जानते हैं जो एवरेज स्पीड होता है बेटा, एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। ये क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस अपान हो जाएगा टाइम बेटा। तो सर्कुलर है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2πr अपान हो गया बेटा 10π हो गया, वैल्यू रख लेना, जो आंसर आए वो आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक रखा है, तो ये क्या होगा बेटा, स्प्रिंग ये ब्लॉक क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, देखें कंप्रेस करेगा, मान लेते हैं एक्स कंप्रेशन हो गया, ध्यान रखना एक्स कंप्रेशन हो गया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा mgx होगा, और स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, स्प्रिंग के कारण बन गया ½kx² हो गया। बस दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, mgx बराबर हो गया ½kx² हो गया, यहां से बेटा k का मान फाइंड कर लेना, ओके। नेक्स्ट देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावर की वैल्यू दिया है बेटा और वेलोसिटी के टर्म में इसका फंक्शन पूछा। इस टाइप का क्वेश्चन एक दो टेस्ट पहले शायद कुछ आया था, उसका डाटा अलग था, लेकिन देखो यहां से पावर बराबर हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी हो गया, ये बराबर हो गया a का मान आ गया dB/dt आ गया बेटा, ब्रेकिंग बताया गया है, ये हमारा b आ गया। यहाँ से और ब्रेक कर दो, पावर का मान हम लोग बाद में रखेंगे, तो ये हो गया, अभी याद रखते चलो ax बराबर कितना हो गया m हो गया, चैन रूल से इसको ब्रेक कर दो, तो ये हो गया dB/dx हो गया, और ये बन गया बेटा dx/dt हो गया, और यहाँ पर ये b बन गया dx/dt, फिर वेलोसिटी बन गया बेटा, तो ये हो गया ax बराबर हो गया m हो गया dB/dx हो गया, यहाँ पे बन गया ये B² हो गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया बेटा AxdX हो गया, AxdX हो गया, बराबर हो गया, या A को हटा दो, B का ही मान निकालना है या रहने दो, A के स्थान पे M रख दो, M को नीचे ले आओ,
ये कितना बन गया बेटा, बी स्क्वायर और डी बी हो गया। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करोगे वैसे क्या हो जाएगा, बी क्यूब अपान थ्री आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू। तो इंटीग्रेट हो गया तो ए अपान एम हो गया, एक्स स्क्वायर अपान टू हो गया, सीधा हो गया बी क्यूब अपान थ्री हो गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया, यहाँ से ए अपान एम हो गया, ए अपान यहाँ से बन गया बेटा ए अपान एम हो गया, और थ्री ऊपर हो गया, यहाँ से थ्री बाई टू हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर बी क्यूब। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, पूरे का जितना आंसर आया है उसका बेटा वन पावर थ्री हो जाएगा, वन बाई थ्री। तो सॉल्विंग देख लेना आंसर अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर बेटा। कॉन्वेक्स मिरर आते ही आधा सॉल्विंग तो करना ही नहीं चाहिए बेटा, डायरेक्ट टिक मारना है, नीट का एग्जाम दे रहे हो बेटा। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली बेटा फिक्स है, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल होगा तो गारंटेड है इरेक्ट होगा। फोकस और पोल के बीच में बनचो बनता है, ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत निगलेक्ट साइड का इमेज बनता है बेटा, क्लियर है। तो क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा बेटा, यानी ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी ए और डी ही हो सकते हैं बेटा। अगर ए और डी का ऑप्शन के साथ कोई और हो तब सॉल्विंग करो, अदरवाइज मत सॉल्विंग करो बी का मान बेटा, क्योंकि 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ से निकाल सकते हो। ए डी कहीं नहीं, किसी के साथ कॉम्बिनेशन ए डी का नहीं है बेटा, डी है तो ए नहीं है, इसका मतलब केवल बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक मार सकते हो। जिन बच्चे को बी निकालने का भी शौक है बेटा, वो 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू से बराबर 1 अपान एफ से निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट यहां दिख रहा है आंसर पे टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक हमारा क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है, देखें कॉनकेव मिरर है और इसके सामने बेटा ध्यान रखना जिसकी राड की थिकनेस कोई नहीं है, ध्यान रखना राड की कोई थिकनेस नहीं दी गई है, लेकिन हमें मजबूरी में बेटा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए थिकनेस हम मान लेते हैं, जबकि निगलेक्ट है बेटा। ध्यान रखना पोल से इसका डिस्टेंस बेटा 30 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2F होता है बराबर 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको बेटा सी और डी कह दें और इसको बेटा ए और बी कह दें, ध्यान रखना तो ये वाला पार्ट सी डी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी डी का बेटा जो इमेज बनेगा राड के, सी डी पार्ट का इमेज वो उसी प्लेस पे बन जाएगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए हमें सॉल्विंग नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसका इमेज वहीं बन जाता है, हम लोगों को प्रॉपर्टी आती है बेटा। केवल ए बी का देख रहे हैं, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी के लिए यू क्या बनेगा बेटा, अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी के लिए यू बन गया -35 हो गया, क्लियर है, -30 + 5 बराबर -35 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 1 अपॉन बी, ये हो गया +1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ बेटा, 1 अपॉन बी प्लस हो गया -35 बराबर हो गया, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा बेटा। यहाँ से बी सॉल्व कर लेना, ध्यान रखना इसको B1 कह दे रहे हैं, यहाँ से इसको B1 बोल दिए, तो B1 ले लिए, किसका इमेज है, ए बी का इमेज का डिस्टेंस है बेटा, तो जो आए सॉल्विंग इसको सॉल्व कर लेना। ऐसे अगर हम सी डी की बात करें तो बेटा ये कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देखें सबको प्रॉपर्टी पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज इसका जो B2 बनेगा बेटा वो कहाँ बनेगा, इमेज एट सेम डिस्टेंस पर, यानी 30 सेंटीमीटर। सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसका मतलब बेटा बन गया जो इसका आंसर B1 आएगा निश्चित रूप से 30 से कम आएगा, निश्चित रूप से 30 से कम, क्योंकि 1 अपॉन 35 + 1 अपॉन 15 30 से कम आएगा। तो देखो चेक कर लो, ये वाला आंसर 30 से कम होगा और इसका 30 है, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, देखो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे 30 इमेज इसका बन गया 30 डिस्टेंस पर, और ये 30 से कम होगा तो इधर बन जाएगा, तो जो दोनों का बीच का सेपरेशन होगा वही लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगा, क्योंकि बेटा इसको m बराबर h2 / h1 से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ ये नहीं दिया है, निगलेक्ट है बेटा, ये तो केवल समझने के लिए मैंने थोड़ा थिकनेस बना दिया। तो जो लेंथ ऑफ इमेज होगा बेटा ये 30 और इस वाले पार्ट का यहाँ कहीं बनेगा, यानी 30 से निश्चित कम होगा बेटा, तो दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं इमेज हो जाएगा, तो जितना होगा वो लेंथ का सेपरेशन कितना हो जाएगा, इसी सी डी और जो ए डैश बी डैश बना उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी 30 में से उसको सबट्रैक्ट कर दो बेटा। तो क्या बन गया यहाँ से हमारा आंसर, क्या आ गया बेटा, ये हमारा यहाँ गया, कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज की बात अगर करें तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से लेंथ ऑफ इमेज बराबर हो गया B1 B2 नाम दिया गया है, B2 - B1 सबट्रैक्ट कर लेना बेटा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सभी को पता है जो लीस्ट काउंट होता है किसी का बेटा, लीस्ट काउंट होता है वो उसका डेल वैल्यू होता है। ध्यान दें, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लीस्ट का वैल्यू होता है उसका डेल वैल्यू होता है, जो हम लोग एरर में निकालते हैं। तो हम लोग के पास फार्मूला क्या है बेटा, टी बराबर 2 पाई है अंडर रूट एल अपॉन जी है, यानी यहाँ से टी प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट एल अपॉन जी हो गया। तो यहाँ से जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहाँ से अगर हम इसका परसेंटेज एरर करें तो ये क्या हो गया 100, सॉरी बेटा जी है, तो ये हो गया हमारा फिर से निकल गया, तो ये हो गया डेल्टा जी अपॉन हो गया जी बेटा इंटू 100 हो गया, बराबर हो गया, बराबर यहाँ से हो गया, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं साहब छोटे बच्चों की तरीके से नहीं, डेल एल अपॉन एल हो गया, प्लस हो गया बेटा डेल टी अपॉन टी हो गया, इनटू हो गया 100 हो गया बेटा। डेल एल का मान दिया हुआ है, लेंथ दिया है 1 mm बेटा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ध्यान रखना 1 mm है और ये बेटा 55 cm है, ध्यान रखना मिलीमीटर में 10^-1 सेंटीमीटर होता है, 1 mm बराबर हो गया 10^-1 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सब अपने से रखना बेटा। 2 डेल्टा टी दिया है बेटा, 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट है बेटा, तो ये हो गया 1 हो गया और एग्जैक्ट टाइम इसका 30 है बेटा। यहाँ से सॉल्व करके ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा, सभी बच्चों का आया भी होगा। देखो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में कह रहा है एक ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है, जब तक उसका मोशन है तब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो यू बराबर 0 हो गया बेटा, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है 27.5 है, समय 10 है, तुरंत एक्सीलरेशन निकाल लो, स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेट कर रहा है, यू प्लस क्या हो जाएगा 80 बेटा। तो ये हो गया 27.5 बराबर 0 प्लस 80 हो गया, यहाँ से बेटा टी बराबर कितना आ गया 27.5 अपान हो गया 10 के बेटा, यानी एक्सीलरेशन आ गया 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना कह रहा 10 सेकंड और नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो देखो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इन 10 सेकंड बेटा, देखें इसका ऐसे हम पिक्चर बना सकते हैं, कितना हो गया S1 बराबर U 0 है, UT प्लस हाफ ET स्क्वायर, रेस्ट है U बराबर 0 हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं 80 स्क्वायर हो गया, हाफ हो गया, A का मान बेटा है 2.75 है और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसको ये इक्वेशन 1 माने बेटा। ऐसे देखो ये क्वेश्चन ये है बेटा, नेक्स्ट 10 सेकंड में यहाँ से स्टार्ट किया है, यू बराबर 0 है और यहाँ पर पहुँचा है कितना डिस्टेंस एस वन, फिर देखो नेक्स्ट 10 सेकंड की बात किया है तो ओरिजिन से ले लेते हैं, इसी को देखो ये एस टू, तो ये भी हमारा टी वन, ये हमारा कितना है 10 सेकंड बेटा, और यहाँ से टी टू कितना है फिर 10 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकंड। अगर हम इनिशियल से 20 सेकंड का ले लें, इनिशियल से यानी एसी निकाल लें जो 20 सेकंड का बेटा, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा बेटा एसी माइनस एबी हो जाएगा, तो दूसरा यही देखो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, डिस्टेंस इन 20 सेकंड बेटा, 20 सेकंड यानी एसी का मान निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा एस टू बराबर कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया 2.75 हो गया, ये हो गया 400 हो गया बेटा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया बेटा, तो ये हो गया 400, ये इक्वेशन 2। ध्यान रखना बच्चों बीसी पूछा गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बस ऐसे लिख रहे हैं, डिस्टेंस बीसी पूछा गया है नेक्स्ट 10 सेकंड में, तो डिस्टेंस बीसी बराबर कितना होगा बेटा, एसी माइनस हो गया, एसी माइनस हो गया हमारा एबी हो गया बेटा, एसी कितना दिया हुआ है एस टू माइनस एस वन, दोनों का मान सॉल्व करके बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेना, नेक्स्ट 10 सेकंड में बी के बाद ट्रेवल डिस्टेंस बता देगा बेटा। फिर देखो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मून एंड द अर्थ इज कैपिटल डी दिया बेटा, और दूसरा कह रहा है कि अगर मास ऑफ अर्थ यानी मास ऑफ अर्थ बराबर दे दिया है बेटा 81 टाइम्स मास ऑफ मून के, तो दोनों का सेपरेशन डी दिया हुआ है, देखो इसको अर्थ मान लो, इसको मून मान लो बेटा, तो ये मास ऑफ मून हो गया और ये हो गया बेटा मास ऑफ अर्थ हो गया, दोनों के सेंटर से सेपरेशन कैपिटल डी एग्जामिनर दिया, ध्यान रखना कैपिटल डी। अब देखो निश्चित है ये बड़ा है, ये बड़ा है और निश्चित है ये छोटा है बेटा, इंटेंसिटी वहाँ पर जीरो होता है, रूल है बेटा बड़े से दूर छोटे के पास, यानी चाहे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो बेटा, बड़े से दूर छोटे के पास, तो देखो बड़े से दूर कुछ मान लेते हैं, और दूसरी चीज ये है बेटा कि सेंटर ऑफ अर्थ से ही डिस्टेंस पूछा गया है, तो बड़े से दूर एक्स मान लो तो छोटे से कितना होगा डी माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, तब देखो हम लोग क्या कर लेंगे, बड़े से दूर यहाँ पे कहीं मान लेते हैं पी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारा जीरो होगा, वहीं पर फोर्स जीरो होगा, तो ये डिस्टेंस कितना मान लिया गया एक्स,
तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये डिस्टेंस हो गया डी माइनस एक्स हो गया। तो देखो इसके लिए कुछ इंटेंसिटी कह देते हैं, इसके लिए इंटेंसिटी ई वन कह देते हैं और इसके लिए इंटेंसिटी ई टू कह दे रहे हैं। तो देखो एट पी पर बेटा इंटेंसिटी क्या हो गया है, जीरो हो गया है। अगर जीरो हो गया बेटा तो इसका मतलब हो गया है, देखें इसका मतलब हो गया है कि ई वन बराबर किसके हो गया, ई टू के। ध्यान रखना ई वन ई टू अर्थ का लिया गया, तो जी एम अपान एक्स स्क्वायर होता है, सभी बच्चों के जबान पे होगा ये होता है जी एम अपान एक्स स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। तो ये बन गया जी हो गया, मास ऑफ अर्थ अपान एक्स स्क्वायर हो गया बेटा बराबर कैपिटल जी हो गया, मास ऑफ मून हो गया अपान डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। मास ऑफ अर्थ दिया है बेटा कितना, 81 मास ऑफ अर्थ दिया है अपान एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया कैपिटल जी मास ऑफ मून अपान हो गया डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी एम कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रूट ले लो बेटा, तो 81 का 9 हो गया अपान एक्स हो गया बराबर 1 अपान डी माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा एक्स या डी कुछ पूछा गया है फाइंड कर लेना, शायद एक्स पूछा गया है। क्लियर है बेटा? ओके बच्चे, और कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लिया करो। हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, 13 क्वेश्चन है, इलास्टिक स्प्रिंग है जिसको पहली बार 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी यू है। अब अगर उसको 10 सेंटीमीटर खींच दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो हम लोग स्प्रिंग के केस में भी जानते हैं बेटा कि इसका पोटेंशियल दो तरीके से, हाफ के एक्स स्क्वायर कर दो या इलास्टिसिटी की अगर प्रॉपर्टी यूज कर लो बेटा, तो एनर्जी स्टोर बराबर होता है हाफ होता है वाई होता है और स्ट्रेन का होल स्क्वायर। सभी बच्चों का क्लियर होगा, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। और हमको पता है बेटा कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल होता है। तो यू प्रोपोर्शनल किसके हो गया, चेंज इन लेंथ का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से यू टू अपॉन यू वन बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट अप कर रहे हैं बेटा, ये हो गया डेल एल टू अपॉन हो गया डेल एल वन के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू टू बराबर यू हो गया, डेल एल टू हमारा बेटा 10 है और अपॉन 2 हो गया। तो ये अच्छा स्क्वायर है, सॉरी बेटा ये हमारा स्क्वायर हो गया, यहाँ से स्क्वायर हो गया, तो सीधा ये 25 दिख रहा है बेटा। क्लियर है? ओके बेटा, दोनों तरीके से कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। कार्नाट इंजन है जिसका सिंक का टेम्परेचर दिया है, यानी बेटा T2 बराबर 300 दिया है और ईटा बराबर है 40% बेटा, तुरंत इसका T1 निकाल लो। फिर कह रहा है टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए कि इफिशियंसी 60% हो जाए सेम सिंक टेम्परेचर पे बेटा। तो ईटा बराबर हो गया 1 माइनस T2 अपान T1 हो गया, यहाँ से ये हो गया 40 अपान 100 को करोगे बेटा तो ये हो गया 40 अपान 10 हो गया, 4 अपान 10 हो गया, 40 अपान 100 तो 0 कट गया, बराबर हो गया बेटा यहाँ से 1 माइनस है। कैलकुलेशन हम तेजी से कर रहे हैं बेटा, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। यहाँ से देखो ये बन गया 1 माइनस 4 से 10 कट गया, 2 अपान 5 हो गया, 2 अपान 5 बराबर 300 अपान T1 हो गया। सीधा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ये बन गया 3/5 बराबर हो गया 300 अपान T1 हो गया। यहाँ से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T1 बराबर क्या हो गया 500 केल्विन आ गया, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। दोबारा एफिशिएंसी क्या कह रहा है, 60% कह रहा है। तब देखो बेटा क्या कह रहा है, फॉर ईटा 1 बराबर 60%, ये हो गया सीधा ईटा 1 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 डैश हो गया बेटा, यहाँ से 6 अपॉन 10 हो गया बराबर, तो 1 माइनस 6 अपॉन 10 बराबर हो गया T2 हमारा 300 है बेटा अपॉन हो गया T1 डैश हो गया। तो ये सीधा हो गया 2 से 3, 2 से 5 हो गया बेटा, तो 5/3 ये बन गया 5 में से 3/2 यानी कि ये बन गया 2/5 बेटा बराबर हो गया 300 अपॉन T1 डैश हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो T1 डैश बराबर 750 केल्विन आ गया। इंक्रीज कितना किया ये देख लो, तो कितना इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर में इंक्रीज कितना होगा, ये बन जाएगा हमारा T1 डैश माइनस T1 हो जाएगा बराबर 750 माइनस 500 बराबर हो गया 250 केल्विन बेटा। नेक्स्ट देखो कह रहा 2 मोल आइडियल हीलियम गैस है बेटा, इसको रबर बैलून में भर दिया गया, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है यानी इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इस पर प्रेशर केवल सॉरी इसका प्रेशर कांस्टेंट है जबकि वॉल्यूम इसका एक्सपेंड होके बदल रहा है बेटा। तो जब टेम्परेचर 35 हो जाए बेटा बढ़ाते बढ़ाते उसका, तो कितना हीट की रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज हो रहा है बेटा और पी क्या है देखो कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया बेटा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास एक ही फार्मूला हीट का है, म्यू सी बी डी टी या सी पी डी टी, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बन गया सी पी डी टी हो गया बेटा। 2 मोल है
हीलियम इज द मोनोटॉमिक बेटा, तो इसका सी पी होता है 5/2 r डी टी, 35 - 30 = 5, और ये हो गया r, हो गया बेटा सॉल्विंग कर लेना, r की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, y बराबर है 0.02 और ये हो गया साइन 2π, हो गया बेटा ये सभी बच्चे ओरल किए होंगे, माइनस हो गया x अपान 0.30 बेटा, और मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है a साइन 2π, ये हो गया t अपान कैपिटल t माइनस x अपान लेमडा। कंपेयर करने पे t बराबर 0.01 दिख रहा है बेटा और लेमडा बराबर 0.3 दिख रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर n लेमडा होता है, बराबर हो गया लेमडा अपान t, रख देना बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 30 दिख रहा है बेटा, 30 या 300 जो हो वैल्यू सॉल्व कर लेना बेटा, क्योंकि तीन के ही टर्म में आएगा, सीडी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोज आर्गन पाइप है बेटा जिसकी लेंथ एल है, क्लोज आर्गन पाइप है लेंथ एल है बेटा, लेंथ इसकी एल है। कह रहा थर्ड ओवल टोन बेटा, अगर थोड़ा सा भी बेटा पढ़े होंगे तो आर्गन पाइप में, क्लोज आर्गन पाइप में नंबर ऑफ ओवल टोन बराबर नंबर ऑफ लूप होता है, इसका मतलब थर्ड ओवल टोन है तो गारंटेड है बेटा इसमें तीन लूप बने होंगे। एम्पलीट्यूड कहाँ होता है, एंटी नोड पर होता है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखें ये बन गया हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरटोन तीन है तो निश्चित है गारंटेड बेटा तीन लूप बनेंगे। तो देखो मैं लूप बना रहा हूँ, देखो जल्दी में कुछ हो सकता है टेढ़ा बन जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें केवल लूप दिखाना है। देखें दो लूप हो गया बेटा और एक ये तीन लूप, नंबर ऑफ लूप बराबर नंबर ऑफ एंटी नोड होता है बेटा। तो यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे हमारा एंटी नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया बेटा, यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे नोड, और ये है क्लोज्ड एंड है बेटा। एग्जामिनर ने क्लोज्ड एंड से पूछा है बेटा ये डिस्टेंस कितना है, एल है। नोड से एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो कितना होता है, लेमडा बाई फोर। तो जरा काउंट करो कितना हो गया, यहाँ से एक लेमडा बाई फोर, दो तीन चार पाँच छः सात, यानी ये पूरा 7 λ/4 है, वही L के बराबर है। देखो यही L है, यही 7 λ/4 है बेटा। तो कितना आ गया देखो, अगर इसको सॉल्व किया जाए तब देखो कितना बन गया, वन मिनट बेटा, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है बेटा कि 7 λ/4 बराबर L के हो गया। तो यहाँ से λ/4 बराबर हो गया बेटा, λ/4 बराबर L अपान 7। देखो आंसर आ गया L अपान 7 पे ही एग्जामिनर पूछा है बेटा, L अपान 7 पे पूछा है। देखो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ध्यान रखना यही हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ध्यान रखना, बराबर किसके, A के हो जाएगा। तो लेमडा बाई क्लोज एंड से पूछा है, देखो कुछ ओरल आंसर है, क्लोज्ड एंड से पूछा है कि L बाई 7 डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा। तो L बाई 7 पे क्या बन रहा है, लेमडा बाई 4 बन रहा है। देखो क्लोज्ड एंड से L बाई 7 पे लेमडा बाई 4 बन रहा है, देखें, और जहां पे लेमडा बाई 4 बन रहा है वहां एंटी नोड बन रहा है बेटा, और एंटी नोड पे क्या बनता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है यहां एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, स्मॉल a का, स्मॉल a ही रह जाएगा। सभी बच्चों का क्लियर हुआ, ये पूरा काउंट कर लिया गया, ये L आया, तीन ओवर टोन थे, तुरंत दिमाग में आया तीन लूप बनेगा बेटा, नंबर ऑफ ओवर टोन बराबर नंबर ऑफ लूप होता है, तुरंत सॉल्विंग कर लिया गया है। क्लोज्ड एंड से पूछा गया है, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है, L बाय 7 पे क्लोज्ड एंड से पूछा है, दैट इज एंटी नोड, यहीं पे एंटी नोड पे मैक्सिमम होता है, यही हमारा A के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्ट कह सकते हो इसका एम्पलीट्यूड A रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है मोस्ट यानी कि सबसे कम सिग्निफिकेंट किसका होगा, इसका 2 और 3, इसका 5 बनेगा बेटा, 2 और 3 इसका 5 बनेगा, 0 यहाँ छोड़ दिया जाएगा पॉइंट के बाद, जस्ट बाद है, तो इसका 4 बनेगा, इसका सब काउंट होगा 5 बनेगा, तो यही क्या हो गया, लीस्ट हो गया बेटा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा बना, सी, सभी बच्चों का आया होगा जिसको रूल याद होगा बेटा। यहाँ से देखो कह रहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, ये होता है बेटा आर जेड स्क्वायर हो गया, 1/(n1)² - 1/(n2)² ये सबके लिए सेम है बेटा, ये ट्रांजिशन सबका सेम है। इसका मतलब हो गया कि 1/λ(z)² हो गया, जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा बेटा, निश्चित है इसका जेड सबसे इस चारों में दिए हुए में मैक्सिमम होगा बेटा, तो इसी का लेमडा क्या होगा, सबसे शॉर्ट होगा बेटा। क्लियर है, ओके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा,
सभी को पता है कि जो डेंसिटी होता है वो न्यूक्लियस में जितने भी एलिमेंट हैं बेटा सबका न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है बेटा, और उसका न्यूक्लियर डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो लगभग डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम। सबको पता है मास को हम लोग कहते हैं एम ए कहते हैं, वॉल्यूम हमारा 4/3 πr³ होता है, और आर बराबर हम लोग रखते हैं आर नॉट ए का पावर 1/3। जब पूरा रखोगे ए से ए कट जाएगा यानी मास नंबर रहेगा ही नहीं बेटा, और साल्व करने पे लगभग आता है 1.98 × 10^17 का रेंज आता है बेटा। तो इसको जबान पे एकदम होना चाहिए, डेंसिटी का जो रेंज होता है पीरियाडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के लिए, क्योंकि जो डेंसिटी होता है बेटा वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, रख के देख लो, कैंसिल हो जाएगा ए नॉट बेटा। तो ये हो गया 10^17 का रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, ए और बी का हाफ लाइफ दिया है बेटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है टी हाफ ए बराबर है 2 times टी हाफ बी के बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो बेटा कह रहा है इनिशियली नंबर एन ए और एन बी समान है बेटा, इसका मतलब हो गया 3 half-life के बाद, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर 3 half-life ऑफ ए, जिस बच्चे ने नहीं सोचा गलत कर देगा, नंबर ऑफ ए एंड बी आर सेम, यानी जो हम लोग एन नॉट मानते हैं वो क्वेश्चन में एन ए एन बी दिया है, इनिशियली दोनों सेम है बेटा क्वांटिटी 3 half-life ए के बाद, यानी ए के 3 half-life के बाद। तो अगर ए का 3 half-life होगा तो बी का 6 होगा, क्योंकि टी ए बराबर 2t½ दिया है बेटा, क्लियर कर लें। तो इसका मतलब है बी का हाफ लाइफ 6 हो गया, एन बराबर 6 हो गया और ए का 3 है। तो कह रहा है दोनों में 3 half-life और 6 half-life के बाद दोनों का न्यूक्लियाई नंबर बराबर है, यानी कि अन डी के दोनों का सेम है, तो एन नॉट जो इनिशियल है उसका रेशियो निकालना है। तो देखें बहुत अच्छे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, एन हाफ पावर एन लेते हैं, एन को हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। देखें तब यहां से देखो बेटा ये क्या है, ये एन नॉट जो हम लोग लेते हैं यहां पे उसने कह दिया है एन नॉट को उसने एन ए कह दिया। तो देखो फॉर ए के लिए लिख रहे हैं बेटा, फॉर ए के लिए एन सबका सेम कह दिया है, यहाँ पे एन नॉट हो गया, हाफ हो गया और ये 3 हो गया, ध्यान रखना। तो बी के लिए क्या बन जाएगा बेटा, अगर बी की बात करें तो देखो 2 गुना हो जाएगा, 2t½। तो इसका अगर 3 half-life है तो उसका 6 हो जाएगा, और बचा हुआ मात्रा दोनों का सेम है, और इनिशियल एन बी था हाफ पावर। यही बच्चा जो लैंग्वेज नहीं समझ पाया होगा वही गलत कर गया होगा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट बराबर है राइट बराबर करके एन ए अपॉन एन बी निकाल लेना बेटा। तो क्या यहाँ से हो गया बराबर, देखो ये बन गया, सॉल्व कर लेना फ्रॉम 1 and 2 बेटा, 1 and 2 यहां से फाइंड आउट कर लेना एन ए अपॉन एन बी बेटा, आप कैलकुलेशन अपने से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ इतना मस्ट फॉल पर सेकंड ऑन द ब्लैंक प्लेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ये फोर्स इतना बेटा। हम लोग जानते हैं कि जब हमारी सन की रेडिएशन या कोई भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन प्लेट पे आके गिरती है, कैथोड पे आके गिरती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है बेटा। तो देखो क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी आती है जब आके इम्पैक्ट करता है बेटा तो क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बेटा। तो क्या हो गया, अगर हम कहें कि अगर एक फोटॉन की बात करें बेटा, एक फोटॉन की बात करें तो इसका मोमेंटम प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, मोमेंटम इसका h अपॉन लेमडा हो जाएगा। ऐसे अगर n फोटॉन की बात करें, देखो बेटा अगर हम n फोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, मोमेंटम बराबर हो जाएगा n h अपॉन लेमडा हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये क्या बन गया, फोर्स प्रोड्यूस करेगा बेटा सेकेंड लॉ से, ये हो गया dp अपॉन dt हो गया बराबर n h अपॉन लेमडा के, एन एच अपॉन लेमडा के हो गया बेटा। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यानी एफ बराबर क्या हो गया, एन एच अपॉन हो गया लेमडा, एन की वैल्यू निकाली गई है बेटा, एफ लेमडा अपॉन एच बेटा। सॉल्विंग सब अपने से कर लेना, एफ दिया है लेमडा दिया है, एच का मान प्लांक कांस्टेंट आपको पता है, सॉल्विंग कर लेना बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से बेटा, आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट मैक्सिमम चाहे करंट पूछा जाए बेटा, मैक्सिमम चाहे करंट पूछा जाए या बेटा मैक्सिमम पावर पूछा जाए, दोनों की शर्त है, कंडीशन है बेटा कि R बराबर हो गया कैपिटल R के, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 दिया है, एक्सटर्नल लाके यहाँ पे रख दो। देखो सर्किट क्या बन गया, अगर हम लोग करंट का यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करें बेटा तो ये बन गया, यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया बेटा।
ऐसे आई टू करंट यहाँ पर आ गया है, आई वन यहाँ से आ रहा है बेटा, और ये टोटल करंट देखो यहाँ पर आई हो गया। ध्यान रखना पिक्चर छोटा सा बनाए हैं। इसका दूसरा पिक्चर क्या बन गया, ये ऐसा पिक्चर बन गया, देखो आर हो गया बेटा और ये हमारा टू आर हो गया, यहाँ से आर और आर बराबर टू आर हो गया बेटा, ये टू आर हो गया और ये हमारा फोर आर है। देखें सर्किट मैंने तोड़ दिया, आर आर सीरीज है टू आर हो गया, ये आर बना है बेटा और आर आर सीरीज है, ये टू आर हो गया और ये फोर आर हो गया और बीच में देखो सिक्स आर लगा हुआ है। अब जब करंट चलेगा बेटा, सभी बच्चों का ओरल हुआ होगा, ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज, तो आर आर का टू आर, इसका बेटा दोनों का टू आर, तो यही बना दिया गया है। अब देखो रेशियो हो गया, आर वन अपान आर टू बराबर आर थ्री अपान आर फोर, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, ये दोनों सीरीज रिजल्टेंट पैरेलल ओरल हो गया बेटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या बना, सभी बच्चे किए होंगे, इसका आर नेट कितना हो गया, आर और टू आर हमारा सीरीज में थ्री आर हो गया बेटा, थ्री आर और चार और दो छः आर हो गया, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा छः और तीन नाइन आर हो गया, बराबर आ गया बेटा यहां से आंसर आ गया टू आर हो गया। तो आर नेट कितना आ गया, टू आर यहां पे रख दो, बराबर टू आर के हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया, टू के आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू वायर बेटा, एफ बराबर होता, सभी बच्चों के फार्मूला जबान पे होगा, आई वन आई टू अपान डी होता है इंटू एल होता है बेटा, इंटू एल, एल कौन है, वायर का लेंथ है बेटा, इसमें करंट आई वन है, इसमें करंट आई टू है, दैट इज द सेपरेशन डी हो गया बेटा, और ये तार की लंबाई होती है। तो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, लेकिन रेडियाई पे डिपेंड नहीं किया, तो यही कह रहा किस पे इंडिपेंडेंट होगा, तो डी ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 ट्यूनिंग फार्क है, सबको अरेंज किया गया है इस तरीके से कि किसी दो को अगर हम बजाते हैं बेटा तो 4 बीट पर सेकंड आता है, ध्यान रखना 4 बीट आता है। तो ऐसे हमारे पास 26 ट्यूनिंग फार्क है, तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, लास्ट में ऐसे 26 है, ध्यान रखना। मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट है, देखें ये फर्स्ट है बेटा और ये वाला हमारा लास्ट है, सबको क्लियर होगा, लास्ट है बेटा। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ट्यूनिंग फार का, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग मान लेते हैं बेटा, ध्यान रखना इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या मानते हैं, एन मानते हैं। तो चलो देखो सब में चार का अंतर होना चाहिए बेटा किसी दो का, अगर इसका एन है तो इस वाले का एन प्लस फोर होगा, फिर तीन का एन प्लस एट होगा, फिर बेटा एन प्लस ट्वेल्व होगा, ऐसे बनेगा बेटा एन प्लस सिक्सटीन हो गया, ध्यान रखना ऐसे डैश डैश, देखो देखो अब दिमाग लगाओ लास्ट वाला क्या बनेगा। देखो एक और दो का, ये आपके लिए हो सकता नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम टाइम दे देते बेटा, इसका यन मान लिया गया है, लास्ट वाला अभी हमें निकालना है। तो देखो एक का दो, तो देखो एक का, देखो एक का फोर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, देखें एक का फोर से मल्टीप्लाई तो ये बना, ध्यान रखना वन का यानी पहले वाले का फोर से मल्टीप्लाई तो दूसरा बना, दूसरे को फोर से मल्टीप्लाई करो तो तीसरा बना, तीसरे को फोर से मल्टीप्लाई करो चौथा बना बेटा, चौथे को फोर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है चार में चार का मल्टीप्लाई, यन तो जुड़ेगा ही बेटा, ध्यान रखना। ऐसे अगर 26 है तो 26 वाला कौन होगा बेटा, 25 वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 का 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई 100, तो जो 26 वाला होगा वो एन प्लस 100 होगा, क्लियर कर लें। इसका वन, तो देखो इसका जो दूसरा बना बेटा चार का, दोनों का डिफरेंस चार है, तो चार और एक का मल्टीप्लाई फोर टाइम्स, तो एन प्लस फोर। इसका क्या बना, देखो ये तीसरा वाला है, तीसरे का है बेटा, चार का दो से मल्टीप्लाई किए प्लस एट हो गया एन प्लस एट, ये देखो तीसरा का, ये बना चौथे वाले का, तो तीन का चार से मल्टीप्लाई किए बारह एन प्लस बारह, ऐसे एक जस्ट पहले वाला। तो अगर 26 का लिखना है तो 25 वाले को चार से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है, यानी 100 हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा बस यही सीखना है। तो कितना आ गया ये एन प्लस 100 हो गया, यही क्या बन गया लास्ट हो गया। क्वेश्चन में दिया है बेटा, देखें डाटा दिया हुआ है यहाँ से कि लास्ट ट्यूनिंग फार का यानी फ्रीक्वेंसी लास्ट का बेटा थ्री टाइम्स है फर्स्ट का बेटा, यानी एन प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट यानी एन प्लस 60, सॉरी एन प्लस 100 बराबर है बेटा 3n के, क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट का। तो देखो बस इसी का रख दो और आंसर आ जाएगा एक लाइन में बेटा। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन है बेटा, गिवन है एन प्लस 100 यानी लास्ट का बेटा बराबर हो गया थ्री टाइम्स फर्स्ट का बेटा, यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये हो गया 3n माइनस 1 बराबर 100 हो गया, ये हो गया बेटा 2n बराबर 100 हो गया, तो n बराबर क्या हो गया 50। अगर n 50 आ गया, देखो पहले का अगर 50 आ गया तो क्या प्यारे बच्चे किसी का नहीं निकाल सकते हो, मान लो यही क्वेश्चन पूछता बेटा, देखो तीसरे का पूछता तो 50 प्लस 8 बराबर 58,
दसवें का पूछता बेटा तो वहां रख देते। दसवें का जब अगर पूछा जाता, बच्चों देखो, अगर दसवें ट्यूनिंग फायर का फ्रीक्वेंसी पूछा जाता तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते, N+36 होता, तो 50 और 36 बराबर 86 आ जाता, यानी जस्ट उससे एक पहले वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, यन में जोड़ दो बेटा, आंसर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके। तो किसी का भी पूछा जा सकता है, ऐसे आपको बुक में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा सिस्टम दे के बेटा दसवें का, पंद्रहवें का, पच्चीसवें का, किसी का पूछ सकता है। क्लियर बच्चों? ओके बेटा, तो हमने सबके लिए एक्सप्लेन कर दिया 2 मिनट में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, हम लोग जानते हैं स्फेरिकल कंडक्टर में सेंटर से और सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है बेटा, इसका रेडियस आर है, देखो आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो देखो सेंटर पर कह रहा 5 सेंटीमीटर पे, देखो 5 यहां पर हो गया पी, ये आर हो गया, तो जानते हैं हम लोग कि सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम, तब बेटा क्या हो जाएगा, B5 कितना हो जाएगा, यानी 5 पे कितना आ जाएगा, जितना सरफेस पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बराबर कितना आ गया, ये बराबर हो गया, इसको 1/4 पाई को K कह रहे हैं बेटा, तो ये हो गया Q/ हो गया 10, ये आंसर 1 हो गया, ध्यान रखना, और इसको एग्जामिनर क्या कह दिया है, B कह दिया है, ठीक है, क्लियर। अब देखो 15 सेंटीमीटर की बात कर रहा है बेटा, फार आर बराबर 15 सेंटीमीटर, तो 15 अगर आर हो जाएगा बेटा तो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो क्या हो गया, यानी आर इज ग्रेटर देन आर, यानी बाहर हो गया, तब देखो B1 कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, Q/R1 हो गया। अब K Q का मान रख दो बेटा, K Q का मान अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो, अगर यहाँ से B बराबर है बेटा KQ/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो KQ बराबर 10B के हो गया, तो ये हो गया 10B, और R1 हमारा कितना है 15 है बेटा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हालो कंडक्टिंग सेल के लिए बेटा जानते हो सेंटर से सरफेस तक बराबर होगा, सेंटर से सरफेस तक बराबर, अभी जस्ट पढ़ा गया है, सेंटर से सरफेस तक बराबर यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और सेंटर से जस्ट बाहर होता है बी इनवर्सली 1/r बेटा, तो यहां तक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कहां बेटा, सेंटर से सरफेस तक, तो ध्यान रखना ये हो गया कांस्टेंट, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आरसी सर्किट है बेटा, आरसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है, पहले ओमेगा था, अब दोबारा ओमेगा अपान अंडर रूट 3 है, सेम सर्किट में बेटा पूछा है कितना करंट होगा, पीक करंट की बात किया है, तो चाहे IRMS पढ़ो चाहे I0 पढ़ो, दोनों का सेम होगा बेटा, RC सर्किट है तो IRMS बराबर हो गया बेटा BRMS/ZK हो जाएगा, और जानते हो IRMS बराबर I0/√2 और BRMS बराबर V0/√2, यानी डायरेक्ट कह सकते हो बेटा दोनों सेम होंगे, तो ये V0/ क्या हो गया, जेड हो गया। RC सर्किट का जेड आपको पता है बेटा आर स्क्वायर होता है प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, सॉरी बेटा, यहां से बन गया बेटा I0 बराबर कितना हो गया, B0 हो गया, अंडर रूट हो गया R, प्लस हो गया 1/ωc का होल स्क्वायर हो गया। ओमेगा की वैल्यू कुछ दी है बेटा, देख लो, ओमेगा बराबर दिया, ओमेगा सी डायरेक्ट R दिया बेटा, देखो ओमेगा सी का डायरेक्ट R मान दिया है, तो और आसान हो गया, ओमेगा सी डायरेक्ट R है, तो R² बराबर 2R² हो गया, तो ये बन गया बेटा B0/√2R हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी बदल दो, ω1 बराबर ω/√3 है, तो करंट कितना होगा, I0 1 कह दिया गया बराबर B0 बेटा, अंडर रूट हो गया R² प्लस, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 1/ω1c का क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो जब ω/√3 रखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो गया B0 बेटा, अंडर रूट हो गया R² हो गया, ω1 के स्थान पे ω/√3 रखो, स्क्वायर हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो 3 हो गया, और 1/ωc ऑलरेडी बेटा R दिया, ध्यान रखना बेटा, यहाँ ध्यान रखना, 1/ωc बराबर R दिया है, तो ये हो गया 3R², तो यहाँ से I0 1 बराबर कितना हो गया, B0 4R² हो गया, यानी कि बेटा 2R के हो गया, देखें 2R, और यहाँ से B0/R निकाल लो बेटा, देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका B0R यहाँ से निकाल लो, अगर यहाँ से B0R निकाला जाए बेटा तो क्या आ गया, B0/R बराबर कितना हो गया, √2I0 हो गया, तो यही B0/R की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो कितना हो गया I1 1, और सॉल्विंग आंसर के हिसाब से सेट कर लेना, बराबर हो गया √2I0/2, दोनों तरफ अगर अंडर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2√2 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा बेटा I0 √2, सॉल्विंग कर लेना अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक स्फीयर है जहां पे रेज इंसिडेंट कराया गया है, कलर चेंज करते हैं बेटा, रेज इंसिडेंट कराया गया है, ये रेज जाके ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ है, कह रहा है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद बेटा देखो फिर एक नॉर्मल ड्रा कर दोगे। देखो एक नॉर्मल ड्रा कर दिया गया और जो अंतिम इमरजेंट है बेटा, जो अंतिम इमरजेंट है वो हमारा देखो ऐसे ए बी के पैरेलल हो गया। तो अगर ये आई हम मान लेते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं, इसको बेटा आर वन मान लेते हैं, इसको हम आई वन मान लेते हैं। तो बेटा सरफेस पे पढ़े होंगे यहाँ पे एक डिविएशन डेल मिलेगा और यहाँ पे एक डिविएशन डेल टू मिलेगा। ध्यान रखना बेटा दोनों आई आर के बराबर होगा। जब ये रेज, ध्यान रखें बेटा, जब ये रेज, ये वाला अंतिम इमरजेंट बेटा ए बी के पैरेलल है तो गारंटेड है आई आई वन के बराबर होगा, आर आर वन के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा ना बनता, यानी ए बी के पैरेलल अंतिम इमरजेंट ना होता तो क्या होगा, आई बराबर आई वन होगा बेटा और आर बराबर आर वन के दोनों बराबर होंगे। तो जब इसका डिविएशन दोनों सरफेस पे लोगे बेटा तो डेल आई वन बराबर भी आई आर होगा। निकाल लेना, बहुत अच्छे से डिविएशन बताया गया है। इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाओ, अंतिम इमरजेंट से बना हुआ एंगल डिविएशन लाएगा बेटा। तो दोनों का आईआर पता है बेटा, डेल वन डेल टू निकालोगे दोनों का सेम आंसर आएगा। डेल टू दोनों सरफेस के लिए लिख दिए हैं, बराबर आई माइनस आर। तो नेट डेल कितना होगा बेटा, डेल वन प्लस डेल टू हो जाएगा, बराबर हो गया बेटा 2i माइनस आर हो गया। और डिविएशन जब सॉल्व करोगे, चूंकि इंसिडेंट और इमरजेंट बराबर हो गया तो डिविएशन भी 60 बनेगा। तो ये हो गया 2i माइनस आर हो गया, 2 से 60 कैंसिल हो गया, क्या बन गया देखो बेटा, यहाँ से 30 बराबर आई माइनस आर और आई का मान फिर 60 हो गया, ये 30 हो गया तो आर बराबर हो गया 30 के बेटा, यानी आर 30 है। बस अब डायरेक्ट स्नेल लगा दो बेटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है स्फीयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं बेटा, तो इस पर स्नेल लगा दो, इस वाले पे स्नेल लगा दो बेटा, इतने पे स्नेल लगा दो। जैसे स्नेल लगाओगे ये म्यू वन हो गया, इसका मान वन हो गया, तो म्यू वन साइन 60 बराबर म्यू 2 इंटू आर होगा, इसको म्यू 2 कह दो, यही बस निकाल लो, आर का मान पता है, एक लाइन का आंसर आ गया बेटा। तो देखो ये क्या बन गया, बाई स्नेल्स ला बेटा, ये हो गया हमारा बाई स्नेल्स ला, ये हो गया यहाँ से बेटा म्यू 1 साइन 60 डायरेक्ट कर रहे हैं, बराबर हो गया म्यू 2 साइन आर माने 30। तो बेटा म्यू 2 निकाल लेना क्योंकि म्यू 1 का मान 1 है, ध्यान रखना म्यू 1 एयर है तो म्यू 1 का मान 1 होगा। टाइम कम रहता है बेटा इसलिए सॉल्विंग आपको करना रहेगा। कह रहा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा इतना दिया हुआ है और स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है बेटा, तो लेमडा कितना हो जाएगा, यानी कहीं से हम बीटा फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा बेटा। तो देखो बीटा निकालना हम आपको एक बार सिखा देते हैं पिक्चर से। देखें ये हमारा सेंटर ओ हो गया बेटा, ये सेंटर ओ हो गया, तो यहाँ पे तो हमेशा ब्राइटनेस रहता है, देखें यहाँ पे हमेशा ब्राइट रहता है, तो हम लोग डी लेते हैं, डी फॉर डार्क की बात करते हैं, डार्क माने मिनिमम होता है, और बी फॉर ब्राइट करते हैं बेटा, जैसे ये बन गया। तो देखो अब हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, देखें बेटा यहाँ पे ब्राइट हमेशा रहेगा, पहला डार्क देखो ये बना, फिर पहला ब्राइट ये बना, दैट इज अवर फर्स्ट ब्राइट। देखें ध्यान रखना इसी को पूछा गया है, पहले ब्राइट से पांचवा मिनिमा, तो पहला ब्राइट मिल गया, सेंटर हो तो हमेशा ब्राइट है बेटा, उसको काउंट नहीं करना है। फिर देखो फिर दोबारा डार्क, फिर देखो ब्राइट बेटा ब्राइट, फिर देखो एक मिनट बेटा बी वन तो बी टू, फिर देखो बेटा डी थ्री, फिर देखो बी थ्री, फिर देखो बेटा अब ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम हो गया बेटा, फिर देखो बी थ्री हो गया और यहाँ से देखो यहाँ पे एक बन जाएगा, ये हो गया डी फोर हो गया, डी फोर हो गया तो ये हो गया बी फोर हो गया। ध्यान रखना पांचवा मिनमा है, पांचवा आने जा रहा है, ये हो गया डी फाइव, देखो फिफ्थ मिनमा हो गया बेटा, फिफ्थ मिनमा, रटने की जरूरत नहीं है, देखो फिफ्थ मिनमा हो गया। अब काउंट करो बेटा, मैक्सिमा से मैक्सिमा या मिनमा से मिनमा बेटा फ्रिंज विड्थ होता है, ध्यान रखना, यानी डी से बी बराबर बीटा होता है, या बेटा सॉरी डार्क से डार्क, डार्क से डार्क या ब्राइट से ब्राइट को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो देखो काउंट कर लो, काउंट कर लो बेटा, यहाँ से काउंट करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस, तो देखो एक ब्राइट से ब्राइट हो गया, देखो बीटा, देखें बीटा, या ऐसे बीटा बाई टू करते चले जाओ, एक बीटा बाई टू, दो तीन चार पाँच, पाँच एक छः सात, देखो ये पूरा सात बीटा बाई टू है, ध्यान रखना ब्राइट से डार्क हमारा बीटा बाई टू होता है, ब्राइट से
ब्राइट माने बी लिख रहे हैं बेटा, से डार्क हमारा फ्रिंज विथ अपॉन टू, देखो सेवन दिख रहा है, यहां से यहां तक अगर काउंट किया जाए प्यारे बच्चों तो सेवन दिख रहा है बेटा, तो ये हो गया सेवन बीटा बाई टू, बराबर दे दिया है सेवन के दे दिया है, देखें सेवन बीटा बाई टू, बीटा बाई टू बराबर सेवन के दे दिया है, तो यहाँ से सेवन कैंसिल हो गया, बीटा बराबर टू आ गया, बीटा टू आ गया बेटा, रख दो डायरेक्ट, बीटा बराबर कितना होता है लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी होता है बेटा, सबकी वैल्यू रख देना, कैपिटल डी दिया है 50 सेंटीमीटर और स्मॉल डी 0.1 mm सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, सबकी वैल्यू रख के और लेमडा निकाल लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीन रॉड है और एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, ये एक ही पॉसिबिलिटी ये बन सकती है बेटा, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया बेटा, जब यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ध्यान दें दैट इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यही हमारा एक्सिस बन गया, अगर ये एक्सिस बना तो ये कौन हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, इसका आई टू ले लेते हैं और इसका आई थ्री, आई टू और आई थ्री क्या बनेगा, वन एंड का एप्लीकेशन बेटा, देखो एक्सिस से दोनों वन एंड पे हैं, तो ये बराबर हो गया वन एंड का एप्लीकेशन हो गया बेटा, तो नेट ये दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपान कितना थ्री हो गया, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, आई वन प्लस आई टू प्लस क्या हो गया आई थ्री बराबर जीरो बेटा, और दोनों का सम करोगे तो टू एम एल स्क्वायर अपान थ्री आंसर आ जाएगा बेटा, क्लियर है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन है कि जो रडार होता है जब अपना बेब वहां से ऑब्जेक्ट को सेंड करता है रिफ्लेक्ट होके आता है तो कौन सा बेब है, आजकल जो है माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड का बेब आता है वो कौन होता है, रडार यूज करता है माइक्रोवेव का बेटा, आप पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी में आपको दिखाई पड़ेगा। ये कह रहा है दो कोई ट्रक है जो 2.5 मीटर लॉन्ग है बेटा और ट्रक नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ध्यान रखना लेंज लॉ का बहुत सुंदर एप्लीकेशन है, मैग्नीट्यूड सबका समान है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा EMF होगा जो वो बराबर हो गया VBL के, B दिया है मैग्नेटिक फील्ड, L दिया है निकाल लेना बेटा EMF। अब कह रहा डायरेक्शन, तो जब लेंज लॉ का यूज करोगे बेटा, लेंज लॉ का यूज करोगे तो हमने इसको कॉन्सेप्ट से बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव मान लिया करो, जिधर राड चलेगा उधर पॉजिटिव भी चलेगा और पॉजिटिव का एक एंड जो होगा उसके अपोजिट निगेटिव वाला होगा बेटा, तो जब उस मेथड से इसको सॉल्व करोगे लेंज लॉ जो बच्चों का क्लियर है वो भी डायरेक्ट करेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एंड का वो कौन बनेगा, बेस्ट बनेगा बेटा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट बनेगा, ध्यान रखना आप लोग भी करके सॉल्व कर सकते हो बेटा, मैग्नीट्यूड सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि चारों आंसर सेम है, डायरेक्शन से उसे मेन इंटरेस्ट है बेटा। किसी प्लेस पे बेटा अर्थ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो कह रहा एंगल ऑफ डिप बता दो, देखो एक फार्मूला होता है बेटा, बी वर्टिकल बराबर होता है बी हॉरिजॉन्टल टैन डेल के, टैन डेल के, अब ये बहुत फार्मूला मुझे कंफर्म नहीं है, बी हॉरिजॉन्टल बराबर वर्टिकल टैन डेल होता कि, ये ध्यान रखना क्योंकि हम से गेम सेफ है, बी 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 एच के बराबर दिया, बी फार वर्टिकल एच फार हॉरिजॉन्टल बेटा, दोनों सेम दिया है तो ये वन हो जाएगा, टैन डेल हो गया, तो डेल बराबर क्या आ गया 45 डिग्री, तो फार्मूले में उल्टा भी हो सकता है, बीबी के स्थान पे यहाँ पे बीएच हो सकता है यहाँ भी, तो एक बार फार्मूला बुक से चेक कॉन्सेप्ट देख लेना बेटा, डायरेक्ट हमने इसलिए लिख दिया कि दोनों बराबर हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, कह रहा है कि एक एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली 100 मीटर पर सेकंड से रिलीज किया गया है और जमीन पे पहुंच रहा है, इसका मतलब है ये बेटा प्रोजेक्टाइल का केस है, देखें यहाँ से टॉप हो गया, इसको हम लोग टॉप मान लेते हैं और ये एच हाइट है, यहाँ से देखो एरोप्लेन जा रहा है कितने वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकंड से बेटा, यहाँ से कोई स्टोन थ्रो कर दे रहा है, फेंक दे रहा है नीचे, तो बेटा वो जमीन पे पहुँचता है, देखें पैराबोलिक पाथ बनाएगा बेटा, यहाँ पे पहुँच गया, जब जमीन पे पहुँच गया तो हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ रहा है बेटा, तुरंत हम लोग देखो यूज कर लेंगे, ये बन गया और इसका वेलोसिटी यू हो गया, इससे इसका एंगल कितना हो गया, देखो थीटा एंगल हो गया बेटा, तो ये कौन बन गया, ये बी वाई कॉम्पोनेंट हो गया, ये कौन हो गया बी एक्स कॉम्पोनेंट, तुरंत हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं बेटा, देखो पैरेललोग्राम बना दिया गया, पैरेललोग्राम हो गया आंसर एक लाइन का, यही टैन थीटा पूछा है, बराबर हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, यानी हो गया बी वाई अपॉन बी एक्स, यही आंसर हो गया, बी वाई निकाल लो, बी एक्स कोई चेंज होगा ही नहीं, बी एक्स बराबर 100 ही रहेगा बेटा, बी वाई समय के साथ निकाल लो, तो बी वाई बराबर हो गया यू वाई प्लस हो गया बेटा जी टी हो गया, बी वाई यू वाई का मान जस्ट इनिशियल वर्टिकल जीरो क्योंकि हॉरिजॉन्टल बेटा फेंका गया है, प्लस हो गया जी का मान 10, 10 का मान जी का टी बराबर 10 दिया है, तो बराबर यहां से क्या आ गया बी वाई बराबर 100 हो गया और ये 100 ऑलरेडी है 1 हो गया, इसका मतलब हो गया थीटा कितना हो गया बेटा 45 डिग्री, क्लियर बेटा।
ओके बच्चे, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रिवोल्यूशन। बेटा सबको पता है कि लिमिट ऑफ रिवोल्यूशन, ये सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं याद करोगे नहीं आंसर आएगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, अब देखो फार्मूला मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है, मैं ऑन बेस मेमोरी लिख रहा हूँ बेटा, अगर गलत हो तो बुक से देख लेना। ये बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डायमीटर होता है, एक बार चेक कर लेना कहीं डी ऊपर तो नहीं है। डी क्या होता है, डायमीटर है बेटा लेंस का, तो ये हो गया डायमीटर, सब दिया है रख देना बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके बच्चे, कॉन्फिडेंस वाली याद कर लो। फिर देखो कह रहा है कि एक वायर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको चार पार्ट में स्क्वायर बनाया गया, तो गारंटेड है बेटा ये आर बाई फोर होगा, ये भी आर बाई फोर होगा, ये आर बाई फोर, और ये टोटल आर बाई फोर होगा, तो ये आर बाई एट हो जाएगा, और ये क्या बन गया बेटा, आर बाई एट हो गया। ई और सी के बीच में बैटरी लगाया गया है, देखें ई और सी के बीच में एक बैटरी लगाया गया, इसी के बीच में पूछा गया है, करंट यहाँ से चलेगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा आई वन और किस में, आई टू में डिवाइड हो गया, इधर से देखो आई वन आया, इधर से आई टू आया, टोटल करंट आई हो गया। बहुत अच्छे से अब दिखने लगा होगा बेटा कि R बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर और R बाई एट, ये सब कैसे हैं, सीरीज में है बेटा, दिखने लगा होगा ये सब सीरीज में है, ये सीरीज में हो गए, तो इनका सीरीज का आंसर निकाल लेना बेटा, सॉल्विंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हो गया R1 बराबर हो गया R बाई फोर, तो एक तो डायरेक्ट कर रहे हैं 3R बाई फोर, तीनों का सम 3R बाई फोर हो गया, प्लस हो गया R बाई एट हो गया, ये R1 निकालना, इक्वेशन 1 बन गया। R1 और R बाई एट पैरेलल है बेटा, तो देखो क्या हो गया, R1 और अंतिम में R R बाई एट बेटा, जो BC के EC के अलॉन्ग है बेटा, ये कैसे हैं, पैरेलल है बेटा, ध्यान रखना R1 सॉल्व कर लेना। तो R नेट कितना हो जाएगा बेटा, R नेट कितना हो गया, R1 R बाई एट अपान हो गया R1 प्लस R बाई एट, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए। सॉल्विंग अपना कर लेना बेटा, हर हालत में आंसर बना लेना, R के टर्म में आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक इमेज है बेटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक इमेज है सन का जो आके किसी लेंस पे आके गिरता है जिसका फोकल लेंथ बेटा 30 सेंटीमीटर है, तो सन से जब लाइट आती है किसी लेंस पे गिरती है बेटा, तो अपना एनर्जी उस पर इम्पार्ट करती है बेटा, ध्यान रखना, तब वो कितना इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है करंट आई। इसके बाद कह रहा है कि सेम लेंस हो बेटा और फोकल लेंथ उसका बदल दिया जाए और सोर्स वही हो, सन वही हो बेटा, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हो कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन के होता है बेटा। अब जब सन वही है बेटा, फोकल लेंथ आप कुछ भी बदल दो क्या फर्क पड़ेगा, इसका मतलब इसके इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रह जाएगा बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसका फोटो इलेक्ट्रिक क्लियर होगा बेटा, जो आके कैथोड पे आके लाइट इंसिडेंट करती है उस पर बेटा इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उससे करंट प्रोड्यूस होता है। अब उसका फोकल लेंथ कितना भी चेंज कर दो सोर्स वही है बेटा, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन उतना ही रहेगा बेटा, फोकल लेंथ से कोई फर्क नहीं है और करंट इंसिडेंट फोटॉन पे ही डिपेंड करता है बेटा, तभी सेचुरेशन करंट का डिपेंडेंस उस पे बनता है, तो वही का वही आई का आई ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा बेटा। नेक्स्ट देखें, हाफ लाइफ दिया है ए और बी का 10 और देखो बेटा 20 मिनट है, यानी टी हाफ, ए का दिया हुआ है बेटा 10 दिया है और इसका टोटल टाइम कितना दिया है 60 मिनट दिया है, तो यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो बेटा, टी अपॉन टी हाफ हो जाएगा, जानते हो टी बराबर एन इंटू टी हाफ, सबका निकालते चल रहे हैं, बराबर हो गया 6 हो गया, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ए का कितना आ गया 6 का। ऐसे बेटा बी के लिए निकाल लो, तो इसका देखो टी हाफ बी बराबर कितना दिया है, टी हाफ बी इसका कितना दिया है बेटा, इसका दिया है 20 मिनट हो गया, तब देखो यहाँ से एन बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 20, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बी का कितना आ गया 3, यानी हमें पता चल गया बेटा ए और बी का नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल गया किससे, टी बराबर एन इंटू टी हाफ से बेटा। क्लियर है? कह रहा दोनों का न्यूक्लियाई यानी एन नॉट दोनों का सेम है, ध्यान रखना एन नॉट दोनों का सेम है। कह रहा रेशियो आप डी के बता दो, डी के का मतलब जो खत्म हो गया, तो पहले अन डी के निकाल लो उसके बाद एन नॉट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या हो गया देखो फार ए के लिए, देखें ए के लिए एन बराबर हो गया एन नॉट, देखें एन नॉट और ये हो गया बेटा एन का पावर सॉरी हाफ का पावर एन ए हो गया बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया एन नॉट हो गया हाफ का पावर कितना आ गया एन ए, शायद 6 आया है, चेक कर लो बेटा
एन ए हमारा 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एन नॉट अपॉन 64 हो गया। ये कौन है, दैट इज अवर अन डी के। अच्छा क्वेश्चन है, तो अब डी के इसका निकाल लो, डी के बराबर इनिशियल माइनस अन डी के हो जाएगा बेटा, तो बराबर कितना हो जाएगा, एन नॉट माइनस हो गया एन नॉट अपॉन 64 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 63 एन नॉट अपॉन 64 हो गया। ये हमारा डी के किसका बना, पहले का डी के हो गया। देखो तो डी के को क्या कह दें, डी के को एन वन कह दे रहे हैं बेटा, तो ये इक्वेशन वन बन गया। ऐसे फॉर बी, यही एन वन अपान एन टू पूछा है बी के लिए बेटा, तो ये हो गया एन बी बराबर हो गया अन डी के कितना हो गया, हाफ, और इसका 3 है बेटा, तो ये हो गया एन नॉट अपान 8 हो गया। यहाँ से इसका डी के निकाल लो, तो इसका डी के कितना हो जाएगा, एन नॉट माइनस अन डी के हो गया बेटा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बराबर यहाँ से हो गया एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन 8 हो गया, बराबर हो गया 7 एन नॉट अपॉन 8 हो गया। इसको हम एन टू बोल रहे हैं बेटा, एन टू, बस दोनों का रेशियो ले लेना बेटा, यहाँ से रेशियो लेके एन वन अपॉन एन टू निकाल लेना बेटा। एन वन एन टू कौन है, दोनों का डी के क्वांटिटी है बेटा, एन अन डी के पूछता तो और आंसर आसान हो जाता बेटा। फिर कह रहा है पावर ट्रांसमिशन है बेटा, कह रहा है इनपुट पावर और इनपुट वोल्टेज दिया है, आउटपुट वोल्टेज भी दिया है बेटा, और इसका इनपुट करंट दिया हुआ है, और इफिशियंसी, तो ईटा बराबर क्या होता है बेटा, पी आउटपुट अपान होता है पी इनपुट, तो ये हो गया आउटपुट बराबर हो गया बी नॉट आई नॉट हो गया, अपान हो गया यहाँ से इनपुट हो गया बी आई और आई आई हो गया बेटा, तो ये हो गया आई वन हो गया, ठीक है। पी नॉट देखो यहाँ से दिया है बेटा, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है और आउटपुट वोल्टेज दिया है 230, और आउटपुट करंट पूछा गया है तो आई नॉट ही पूछा गया है बेटा, और ये हो गया इनपुट वोल्टेज है 23 और करंट इसका बेटा 5 एम्पियर है, और ईटा बराबर क्या हो गया, 90 अपॉन 100 हो गया बेटा, इतना निकाल लेना रेशियो में करके, और यहाँ से फाइंड क्या कर लेना, आई नॉट बेटा, सॉल्विंग कर लेना फटाफट, सब आंसर है, डायरेक्ट भी दिख रहा है, 0 0 कटा, 23 23 कट गया बेटा, बहुत आसानी से आ जाएगा, 90 अपॉन 10 से 100 से इक्वेट कर देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो बच्चे पढ़े हैं वो देखे होंगे कि इस पर इसका क्या हो गया, एक का बी वन एक का बी टू, देखो हम फिगर बना रहे हैं इसको इधर से, क्योंकि इसमें फिगर में बनाना पड़ेगा, इससे समझना मुश्किल हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, देखो जल्दी से हम फिगर बना रहे हैं बेटा, उल्टा बना दी, ठीक है। यहाँ से करंट आई चला बेटा, ये डिवाइड हो गया, ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे आया और ऐसे आया, यही सेंटर ओ है, ध्यान रखना, ये एंगल बेटा कितना दे दिया है एग्जामिनर ने, 45 दे दिया है, ध्यान रखना। आप डिस्टेंस इसका देख लो, सेंटर से 3 है, ये 2 सेंटीमीटर है बेटा, करंट वगैरह सब बाद में रखना, हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लो, इसका B2 मान लो, B1 बेटा क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज है तो क्रॉस होगा, B2 एंटी क्लॉक है बेटा तो डॉट होगा, ध्यान रखना। अब B1 का मान हमें कैसे लाना है, जिन बच्चे पते हो, बायो शॉर्ट में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ये वो क्वेश्चन है जब नोन एंगल पता हो बेटा, तो B1 कितना होगा, B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई DL अपान आर स्क्वायर, DL को बेटा परचेज कर लो, कितना होगा 2 पाई इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर, यानी एंगल मेड एट सेंटर हो गया यहाँ पर, अपॉन 360 से डिवाइड कर दो, यानी सर्कल का 1/90 यानी 1/8 डायरेक्ट भी दिखेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, B1 बराबर हो गया बेटा, यहाँ पे क्रॉस हो गया, कलर चेंज कर रहे हैं बेटा, ये बराबर हो गया यहाँ से म्यू नॉट हो गया अपान 4 पाई हो गया आई डी एल अपान बेटा आर स्क्वायर, आर कितना बनेगा, ये इसके लिए आर बनेगा, ध्यान रखना, ये इसका आर वन हो गया, बी वन है तो इसको आर वन, ये 5 हो गया, ये हो गया 5 × 10^-2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, या भी आर ऐसे रहने दो, आर वन स्क्वायर, अभी जरूरत होगी तो बाद में हम लोग निकाल लेंगे। डी एल इसका देखो क्या बनेगा, 2 पाई, बस फ्रेमिंग करेंगे, सॉल्विंग अपना करना, एंगल मेड एट सेंटर बेटा 45 है, अपॉन 360 से डिवाइड कर दो, इंटू आर वन हो गया बेटा, ध्यान रखना, सॉल्व कर लेना, यहाँ से डी एल आ गया, डी एल का मान यहाँ पे पुट कर देना, ये आ जाएगा बी वन बेटा, सॉल्विंग घर पे करना। ऐसे अगर बी टू की बात करें तो सिमिलर होगा बेटा, बी टू की अगर बात करें तो सेम हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई हो गया बेटा, ये हो गया आई डी एल अपान, इस डिस्टेंस को आर टू कह दे रहे हैं, इस डिस्टेंस को आर टू कह दे रहे हैं बेटा, तो ये हो गया आर टू स्क्वायर हो गया, यहाँ से डी एल तुरंत फिर खरीद लिए बेटा, 2 पाई हो गया, ये हो गया 45 एंगल मेड एट सेंटर अपान 360 बेटा,
N2 हो गया, R2 हो गया, ध्यान रखना। इस DL का मान यहाँ निकाल लेना, ये डॉट है। अब ध्यान रखना और सब वैल्यू तो फिक्स है बेटा, और सब वैल्यू फिक्स है, ध्यान रखना कौन ज़्यादा है। तो B नेट कितना हो जाएगा बेटा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देख लेना सॉल्व करके कौन बड़ा है कौन छोटा, -B स्मॉल हो गया। अब हमें तो पता नहीं लग रहा है यहाँ से कौन बड़ा कौन छोटा, तो एक बार चेक कर लेना। खैर करंट समान है, जिसका आर कम होगा उसका बी ज़्यादा होगा बेटा, तो B2 निश्चित है ज़्यादा होगा, निश्चित है, और सब वैल्यू सेम है, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो बी लार्ज -B स्मॉल सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। फ्रेमिंग कर दी है, सॉल्विंग घर पे करना। नेक्स्ट है देखो बेटा, ये रिजल्ट है, तीन चार रिजल्ट इसके याद रखो, नहीं तो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाता है। अगर ये कोई वायर है और यहाँ पे इसके बॉटम पर, अगर बॉटम पर इसके डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, देखें डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट किया जाए बेटा, तो वेव जनरेट होता है। तो वेव टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये इसका टॉप हो गया, टाइम कितना होता है, 2 बेटा √L/g होता है। वैल्यू रख देना, एल का मान दिया है, जी का मान आंसर आ जाएगा। बॉटम पे अगर डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, टॉप पे निकालना है, तो जबान पे याद कर लो बेटा, 2√L/g यानी टोटल लेंथ अपॉन जी। ऐसे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने किसी और टेस्ट में सिखाया है, वो सब कुछ डाटा डायरेक्ट आप याद रखो बेटा, नहीं तो आप इंटीग्रेट छोटा लेके इंटीग्रेट करोगे, फिर बॉटम से टॉप तक इंटीग्रेशन की लिमिट रखोगे, सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है बेटा कि 62.67.2 लीटर हीलियम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा, और इसके बाद क्वेश्चन देखा जाएगा कितना हो गया, बराबर हो गया 22.4, 66 यानी 3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स 3 हो गया बेटा। कह रहा सिलेंडर फिक्स्ड है बेटा, इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स है बेटा, वॉल्यूम फिक्स है, तो हीट कितना हो जाएगा बेटा, μCVdT हो गया। म्यू का मान हो गया बेटा यहाँ से 3 हो गया, CV हो गया, हीलियम गैस है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस है, 3/2R हो गया, DT 20 है, सबकी वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा जूल में बेटा, सब जो जे लिखा जूल लिखा हुआ है। 44 क्वेश्चन है बेटा, देखें सिस्टम पूरा क्लॉक वाइज चल रहा है, टोटल का वर्क डन चल रहा है, इसका मतलब है कि इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क कितना होगा, एरिया कवर्ड हो गया, सभी बच्चे किए होंगे, एरिया कितना हो गया, ट्रेंगल बना है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ले लो बेटा, ये हो गया हाफ, बेस का मान बेटा यहाँ से हो गया 5 - 1 हो गया, बेस बना है, हाइट बेटा हो गया 6 - 1 हो गया, 6 - 1 हो गया, तो 1/2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया बेटा, 2 का 2 हो गया, बराबर हो गया 12 जूल, कोई है नहीं, कहीं गलत हो रहा है, 5 - 1, 1/2, 5 - 1, फिर से चेक कर रहे हैं, 4 हो गया बेटा, और ये हो गया 6 - 1, 6 - 1 तो ये भी है बेटा, 5 हो गया, 5 का 20 10 तो आ रहा है बेटा, ये अच्छा है 5 होगा, वही कह रहे बेटा, तो ये हो गया 20/2 बराबर 10 जूल हो गया बेटा, क्लियर है बी ऑप्शन। बहुत जल्दी दे देखें बेटा, ये देखो अब इसके लिए फिगर यहीं पर बना दे रहे हैं, देखो ये आर कितना हो जाएगा बेटा, आर निश्चित है ये 90 होगा, ये 90 हो जाएगा, तो निश्चित है ये क्रिटिकल एंगल बनेगा बेटा, और ये देखो यही ग्लास है, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू जी मान लेते हैं, इधर लिख दे रहे हैं म्यू जी, तो इसके लिए देखो इस वाले के लिए और इस वाले पे सीधा डायरेक्ट इसने अल्लाह लगा दो, कुछ करना ही नहीं है, तो देखो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो बेटा, इस फेस को 2 मान लो, तो 1 और 2 पे देखो, फ्रॉम 1 और 2 पे बेटा क्या लगा दो, स्नेल ला लगा दो, ध्यान रखना स्नेल्स ला लगा दो, तो देखो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, कि जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर देखा वैसे आर क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तब देखो इसका कितना हो गया, केवल इस वाले फेस का देखना है, तो केवल हो गया μ1 sin 90, अभी पूरे का देखो बन गया है स्फेरिकल, ये देखो इसका केवल ये वाले का, यहाँ भी पूरा बन गया है ये वाले का बेटा, ध्यान रखना, तो ये हो गया हमारा μ1 sin 90 बराबर हो गया बेटा म्यू ग्लास हो गया और साइन आई हो गया, डायरेक्ट है, फिगर बनाने की बहुत जरूरत नहीं, 1 हो गया साइन 90 1 हो गया, म्यू जी साइन आई हो गया बेटा, तो यहाँ से क्या पूछा है, म्यू जी पूछा गया है, तो म्यू जी बराबर क्या हो गया 1/sin i, डायरेक्ट आ गया बेटा। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, देखें डायरेक्ट कह सकते हो बेटा, अगर आपको जरा सा भी डेरिवेशन याद हो तो इसको आप ओरल कर सकते हो, पेन उठाना ही नहीं है, मिनिमम डिवेशन पे बेटा, मिनिमम डिवेशन पे I I1 के बराबर होता, RR के बराबर होता बेटा, और एंगल ऑफ प्रिंज जो रेडिए रिफ्रेक्टेड होता है वो उसका आधा हो जाता है। तो देखें अगर इसका पिक्चर ऐसे बनाया जाए बेटा, बहुत जल्दी में देखें, ये पिक्चर बनाया जाए
और ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया बेटा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रेज हो गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया गया, फिर ये रिफ्लेक्टेड हो गया, फिर नॉर्मल ड्रा कर दिया गया, और ये बेटा देखो मिनिमम डिविएशन हो गया। तो जनरल पिक्चर हम बना दे रहे हैं, ये हमारा आई हो गया है, ये हमारा आई वन हो गया है, ये आर हो गया है, सॉरी जल्दी जल्दी में देखो सिंबल गलत हो गया, आर हो गया, ये आर वन हो गया बेटा, और ये हमारा आई वन हो गया। तो हम लोगों को पता है कि अगर डेल मिन की कंडीशन हो बेटा, शॉर्ट में लिख रहा है, तो आई आई वन के बराबर होता है, आर आर वन के बराबर होता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होता है बेटा आर प्लस आर वन, इसका मतलब टू आर बराबर ए हो गया। तो आर बराबर ए बाई टू बराबर हो गया 30 के, इक्विलेटरल है तो ये बराबर कितना है 60 डिग्री बेटा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री के हो गया। अब स्नेल्ला इसी पर लगा दो बेटा, देखो इसी पर स्नेल्ला लगा दो, तो स्नेल्ला जैसे लगाओगे आई का मान आई ही लाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर दिया हुआ है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है अंडर रूट 3 हो गया, और इसका म्यू वन बराबर 1 हो गया बेटा। तो डायरेक्ट स्नेल्ला लगा दो तो क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन आई बराबर हो गया म्यू टू साइन आर के हो गया बेटा, 1 हो गया साइन आई बराबर हो गया अंडर रूट 3 हो गया, साइन 30 हो गया, ये हो गया यहाँ से अंडर रूट 3 हाफ हो गया बेटा, ये साइन आई हो गया, तो आई बराबर डायरेक्ट दिख रहा है 60 डिग्री बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोटेंशियल दिया है बेटा, पोटेंशियल दिया है, तुरंत वर्क डन निकाल लो, ई बी हो गया बराबर हो गया ई बी नॉट लॉग आर अपान आर नॉट हो गया, ध्यान रखना पोटेंशियल वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, तो ये कैपिटल यू भी बन गया, और फोर्स बराबर होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, ध्यान रखना जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक सेंट्रीपिटल का यूज नहीं कर पाओगे, तब तक बोर्स का थ्योरी नहीं यूज हो पाएगा। तो मैग्नीट्यूड में ले लो, माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है बेटा, सबको पता है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड में बेटा आ जाएगा, ये हो गया हमारा ई बी नॉट, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी नॉट, और लॉग आर अपान आर नॉट हमारा कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये फोर्स हो गया बेटा, और फोर्स किसके होता है सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया बेटा, जो एफ है वो किसके बराबर होता है एम बी स्क्वायर अपान आर, तब क्या बन गया एम बी स्क्वायर अपान आर बराबर हो गया ई बी नॉट अपान आर, कैंसिल हो गया, यहाँ से बेटा बी बराबर हो गया ई बी नॉट अपान एम हो गया अंडर रूट में, दैट इज अवर वेलोसिटी हो गया बेटा। अब देखो बाई बोर्स ला क्या हो गया, देखें बोर्स थ्योरी के अनुसार बेटा ये हो गया बराबर हो गया बेटा, बोर्स ला के अनुसार क्या बन गया एम बी आर बराबर हो गया एन एच अपान टू पाई हो गया। अब वेलोसिटी एन पे डिपेंड ही नहीं किया है, देखो वेलोसिटी एन पे डिपेंड नहीं है, देखो डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, यानी यहाँ वेलोसिटी जो है आर पे डिपेंड नहीं किया है, इसका मतलब डायरेक्ट दिख रहा आर किसके प्रोपोर्शनल है एन के बेटा, तो ओवरऑल आर किसके प्रोपोर्शनल होगा एन के, यही आंसर पूछा गया है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा। बहुत अच्छे से देखें जल्दी से क्वेश्चन बेटा, यहाँ से यहाँ तक टाइम दिया है, तो लेमडा बाई फोर, एक लेमडा बाई फोर, दो तीन चार, यानी ये बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा लेमडा बाई फोर होगा। बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाया गया था, हर एक में दो दो फार्मूला मैंने पढ़ाया है, एक टाइम के साथ एक बेटा ग्राफ के लिए मैंने पढ़ाया है। तो देखो ये क्या बनेगा टी बाई फोर बनेगा, तो ऐसे अगर काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो सबके लिए काउंट करोगे तो एक टी बाई फोर, दो तीन चार पाँच छः, छः टी बाई फोर बराबर 12 होगा बेटा, तो सीधा ये कितना आ जाएगा यहाँ से आ गया 6t बाई 4 बराबर 12 हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ t बराबर क्या आ जाएगा 8 सेकेंड, टाइम हमारा 8 सेकेंड आ गया बेटा। अब ध्यान रखना एक्सीलरेशन लाना है बेटा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है, एक बार मैं जरा मैं चेक कर लूँ बेटा, ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी निकालोगे तो कॉस हो जाएगा, फिर ये साइन हो जाएगा बेटा, ये हो गया साइन, कितना याद रहे इसलिए जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया बेटा, तो ये साइन हो गया। चलो ये ध्यान रखना ये एक्सीलरेशन है, तो ए दोनों लिख गया है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख रहे हैं, तो एक्सीलरेशन बराबर हो गया एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये माइनस 1 हो गया, ध्यान रखना ओमेगा 2 पाई अपान टी है, तो टी बराबर 8, बस हम फ्रेमिंग कर रहे हैं सॉल्विंग करना फटाफट, ये हो गया साइन ओमेगा टी हो गया बेटा 2 पाई हो गया, टी का मान 8 हो गया, समय दिया बेटा 4/3 हो गया, सॉल्व कर लेना जो एक्सीलरेशन आए वही एक्सीलरेशन माइनस के रूप में आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है बेटा, इसको प्लेस किया गया किसी सरफेस पर, ध्यान रखना कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन इसका 0.5 है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा ग्राउंड से कि ये स्लिप ना करे बेटा, तो वाई बराबर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, y बराबर एक्स क्यूब अपान 6 है, ये इक्वेशन 1 हो गया बेटा। बहुत अच्छे से जानते हो कि एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्या आता है, म्यू बराबर होता है tan थीटा के आता है,
टैन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, ध्यान रखना। टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है बेटा? वाई अपॉन एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो बेटा। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? 1/6 हो गया, सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू। यहीं पर रख दो, म्यू का मान 0.5 है, तो 1/2 हो गया बेटा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2 के हो गया, तो एक्स बराबर हो गया +-1 के हो गया। माइनस को इग्नोर कर दो बेटा, एक्स का मान +1 ले लो, एक्स का मान +1। तब हाइट कितना होगा? वाई ही हाइट अब बन जाएगा बेटा, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर अपान सॉरी एक्स क्यूब अपान 6। तो ये हो गया एक्स क्यूब अपान 6 बराबर हो गया 1 का क्यूब अपान 6 बराबर 1/6 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, म्यू बराबर टेन थीटा का स्लोप का अप्लीकेशन था ये बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक पार्टिकल है जो फोर्स और डिस्टेंस में ग्राफ दिया है, तुरंत इसका बेटा वर्क निकाल लो। तो वर्क क्या होगा? एरिया कर्वड होगा। देखें वर्क क्या बनेगा? वर्क हमारा एरिया कर्वड हो जाएगा बेटा, जो वर्क होगा वो एरिया कर्वड होगा। और वर्क ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल 0 होगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा बेटा। तो एरिया कर्वड क्या हो जाएगा? देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया बेटा, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसका जो वर्क टन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? एरिया ऑफ T1 निकाल लोगे ना बेटा, प्लस हो गया सॉरी R1, चलो कोई बात नहीं, कोई भी लिख लो, प्लस हो गया बेटा, सबको लिखना ही है, किसी के सिक्वेंस में लिख लो। एरिया ऑफ, इसको R1 कह दो, तो एरिया ऑफ R1 हो गया, प्लस हो गया बेटा एरिया ऑफ R2। अब सभी बच्चों का इतना मैथ अच्छे से है कि ट्रेंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये बराबर हो गया बेटा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ट्रेवल 3 मीटर पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? जो वर्क आएगा, तो वही जो वर्क का आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा, क्योंकि के इनिशियल क्या है? 0 है बेटा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, ज्यादातर आंसर आपके सही हुए होंगे बेटा। ठीक है, गुड नाइट बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो 1st ऑफ अगस्त 2021, पहले आज की डेट पे आपका नीट होने वाला था, जो कि बाय गॉड्स ग्रेस आपको 42-43 डे एक्स्ट्रा मिले हैं। आज 1st अगस्त है, 12 सितंबर को आपका पेपर है, स्टिल यू हैव 40 मोर डेज रिमेनिंग, ऑलमोस्ट इवन मोर देन दैट, राइट। आज की टेस्ट के लिए आपको आज इसलिए टेस्ट रखवाया गया है, बिल्कुल नीट पैटर्न पे रखवाया गया था, जिससे कि यू कुड एनालाइज कि आज अगर नीट हो जाता तो आप कहाँ स्टैंड करते। अपनी परफॉर्मेंसेज आप सब लोगों ने एक लेवल पे चेक की होंगी, आज आपने उसको एक और बार चेक कर लिया कि एक्चुअली 1st अगस्त के लिए आप कितना प्रिपेयर थे, राइट। तो आज के पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 95% NCERT बेस्ड था, राइट, ऐसा ही नीट का पेपर भी आने वाला है। सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी ऐप पे मिल गए होंगे। अगेन, इस पेपर को होने के बाद कोई आपको डाउट आता है तो आप वो क्वेश्चन क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हो। अभी आने वाले डिस्कशन में जो हम डिस्कशन अभी करेंगे 1/2 आवर की, उसमें हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया आपके पास। अच्छा, किसी को डाउट हो तो वो भी ध्यान रखें कि सेक्शन ए में आपको 35 के 35 क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं होती, या तो आप अटेम्प्ट करोगे या आप छोड़ोगे। जो छोड़ोगे वो 0 हो जाएगा, जो अटेम्प्ट करोगे वो +4 या -1। सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो 5 वहां पे आप छोड़ सकते हो। ये तो क्लियर है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.40 मोलर NaCl स्टार्टिंग विद 100 ml ऑफ 0.30 मोलर NaCl। पहले मेरे पास 100 ml ऑफ 0.30 मोलर है, अब मुझे उसको बनाना है 0.40 मोलर, यानी कि मुझे 0.10 मोलर को ऐड करना है। NaCl का वेट इज 23 + 35.5, सम्स अप टू 58.5 ग्राम्स। 58.5 का 0.1 इज 0.585 ग्राम्स NaCl अगर मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये ml में है इसीलिए 0.01 आ रहा है,
यानी कि अगर 1 लीटर्स होता तो क्या होता, 5.85, बट ये आपको 100 ml है, इसलिए आंसर विल बी 0.585 ग्राम्स NaCl, 0.58 ग्राम्स Na। ठीक है, शाबाश। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट दैट इज एफ सी सी, ए एंड बी एटम्स ए आर एट द कॉर्नर्स, ओके, एंड बी एटम्स एट द फेस सेंटर। ए एट द कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 × 1/8, और आपके पास 6 फेस सेंटर्स हैं, तो 6 × 1/2। ऐसे ही करते हैं इंडीड हम लोग। वन ऑफ दी ए एटम्स इज मिसिंग, ए को एक मिस करना है, यानी कि ए 7/8, तो ए 7/8 B3, ए 7/8 B3। सिंपल क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, नाउ दिस कम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिक अमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। NHCU हाइड्रोलाइज करेंगे तो मुझे यहाँ पे एनिलीन मिलेगा, नीचे तो नाइट्रो है ही है। NaNO2 से ये नीचे ऊपर डाइजोनियम मिलेगा, N2+Cl- NO2, और डाइजोनियम में KNO2 डालने से मुझे ऊपर भी NO2 मिल जाएगा। 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,4-डाइनाइट्रो सोल्यूशन इज हियर। फाइन, ग्रेट। इथाइल मिथाइल विनाइल अमाइन। इथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल है एक इथाइल है, बट ये विनाइल नहीं है, विनाइल डबल बॉन्डेड होता है, ये अलाइल है। इथाइल मिथाइल विनाइल, मेक सेंस, मेरा काम इससे हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, एक मिथाइल एक इथाइल और एक विनाइल। ठीक है, नाउ दिस इज KCN का 1 मोल डाला है हमने, दो ऑप्शंस हैं, या तो Cl निकलेगा या Br। Br वर्सेस Cl में ऑब्वियसली Br इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, आंसर विल बी Cn निकला। अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, या साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है, ऑन ओजोनोलाइसिस मतलब एल्कीन ही है। गिव्स ओनली वन कंपाउंड, यानी कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इनमें से क्या मिल रहा है, 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेन 3-हेक्सेन, 2-हेक्सेन 3-हेक्सेन तो कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होंगे। ठीक है, देन यू हैव दिस विच ऑल्सो सेज विच डज नॉट रिड्यूस फेलिंग्स, मतलब कीटोन बनना चाहिए, एल्डिहाइड नहीं हो सकता। 2-मिथाइल 2-पेंटीन, या इसको देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, ये ब्यूटूइन है, एंड देन 2 पे मिथाइल एंड 3 पे मिथाइल, मेक सेंस। ये दोनों एसीटोन देंगे, दोनों एसीटोन देंगे ओजोनोलाइसिस पे, ये ऐसे टूट जाएगा, एंड देन एसीटोन डज नॉट रिड्यूस फेलिंग्स रिएज, क्योंकि फेलिंग्स एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है। 3-मिथाइल वाली चीज़ें जो है, ये 3-हेक्सीन और 2-हेक्सीन वाली चीज़ें एल्डिहाइड बनाएंगी, वो फेलिंग्स को रिड्यूस कर सकता है। आंसर विल बी 6th का 2। ग्रेट। इन 2s ऑर्बिटल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली LL+1, अंडर रूट में LL+1 h/2π। अभी L तो 0 है फॉर s ऑर्बिटल। द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज नेसेंट ऑक्सीजन देने की प्रॉपर्टी से आते हैं, एबिलिटी टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डी, KCN से यहाँ पे CN आएगा, हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे एसिड आ सकता है या अमाइड आ सकता है। ठीक है, लेकिन आगे NH3 डेल्टा है, यानी कि यहाँ पे तो अमाइड बनना है, तो यहाँ पे आप एसिड बनाएंगे तो ये आएगा CH3COOH, फिर यहाँ पे आएगा CH3CONH, CH3CONH2। फाइन, ग्रेट। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलुइडीन NH2 एंड देन CH3, दिस इज पैराटोलुइडीन, और ये अल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म, ये कौन सा टेस्ट है, कार्बिलामाइन टेस्ट, जिसमें ऊपर ये NC बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, NC बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, NC बन जाएगा आइसोसाइनाइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
कार्बिलामाइन रिएक्शन. फाइन ग्रेट. द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन शेल इज 0.53, देन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द रेडियस विल बी 0.529, जिसको उसने 0.53 बोला ही है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. ये है रेडियस ऑफ एन एथ रेशो. ठीक है, अब आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो 4 इंटू 0.529 इज 2.12. 2.12 सिंपल. ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ इथेन, कंबस्शन ऑफ इथेन C2H6+O2, किसी भी चीज का कंबस्शन हमेशा CO2 और H2O ही देगा. इसमें ये sp3 है और इसमें ये sp3 to sp. फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ब्रांचिंग से कम होता है और नंबर ऑफ कार्बन से बढ़ता है. ये एन ऑक्टेन, मिथाइल हेप्टेन सब में 8-8 कार्बन दिख रहे हैं. ये स्ट्रेट चेन है तो ऑब्वियसली एन ऑक्टेन का ज़्यादा होगा. इन अ सोल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन एंड 46 ग्राम टोलुइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज, इसका मोलर वेट इज 78, इसलिए 7.8 दे रखा है. इसका 0.1 मोल्स हैं. 46 ग्राम्स ऑफ टोलुइन इसका वेट निकाल लेते हैं कितना. C6 इज 72 + 5 + 12 + 3 84 84 + 8 92. कितना दे रखा है, 46 ग्राम, यानी कि इसके 0.5 मोल्स. तो क्या होगा, 0.5 एग्जैक्टली. तो 0.1/0.6, जो भी आपकी वैल्यू आएगी 1/6. डन. ग्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1. SN1 इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए बेंजीन बेंजीन टोलुइन, ठीक है, एक ही बेंजीन है तो ऑब्वियसली विल बी सेकेंड वन. वेन प्रोपनामाइड इज ट्रीटेड विद NaOBr, NaOBr इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो एक उसमें कम होना है, कार्बन -1 हो जाता है इसमें ना. ठीक है, तो प्रोपेनामाइड में 3 है, 1, 2, 3, अब उसमें 2 हो जाएंगे, एक तो प्राइमरी अमाइन CH3CH2NH2. क्विकली कॉन्क H2SO4 डेल्टा इज द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट. ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये लड़ाई है कि ये दोनों सेम साइड पे ऑपोजिट आएंगे कि सेम आएंगे. तो जितना दूर दूर रहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो ये ऑपोजिट साइड्स पे आएंगे. When you have, if the electron can be located in the orbit within 0.1 angstrom, ये delta x है 0.1 angstrom, what is the uncertainty in its velocity? Delta x dot m delta v is equal to h upon 4 pi, आप डाल दीजिए. डेल्टा एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है, एम आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kgs. डेल्टा वी आपका आएगा, डेल्टा वी इज एच अपॉन 4πm डेल्टा एक्स, एच इज गिवन 4πm डेल्टा. ग्रेट. द मोलारिटी ऑफ NaOH, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. मोलारिटी निकालनी है NaOH की इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, 40 का मोलर वेट है, 250 ml × 100,000, क्योंकि ml दे रखा है इसलिए इट्स 410, तो 0.4 मोलर. NCRT सॉल्ट एग्जांपल 0.4 मोलर. व्हाट कैन बी सेड अबाउट एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, वो हमेशा कम होती है, ऑलवेज लेसर, लोअर एनर्जी, ऑलवेज लेसर. स्टेट द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन गवर्न्ड बाय, ऑलरेडी रेट लॉ दे रखा है, ऑर्डर इसका एक्स और वाई का सम होता है, दोनों 1-1 है तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल इन अनायन वैकेंसी, एफ सेंटर की यही कहानी है, सबको पता है ये. देन यू हैव द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन 100 ग्राम्स ऑफ FCC क्रिस्टल, दिस इज अगेन एन NCERT सॉल्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, जहाँ उसने अल्यूमिनियम का क्वेश्चन पूछा है आपसे,
आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर मतलब जरूर देखिएगा। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4F7 5D1 6S2। 4F7 है, ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक, विदाउट अ सेकेंड थॉट बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक। इन द वुड्स रिएक्शन विद इथाइल क्लोराइड मेजर प्रोडक्ट इज 1, 2 Cl का वुड्स करना है, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। आंसर इज 25th का 1। The enthalpies of elements in their standard states are taken as zero. The enthalpy of formation of the compound can be obviously both positive or negative. The ideal gas equation is written by PV equals nRT. Again, simple nCRT. Dry cell is also called Laclange cell, nCRT. Third line of Balmer series, Lyman-Balmer. Balmer का मतलब मेरा destination is 2. तो इसकी जो फर्स्ट होगी वो 3 से 2, सेकंड होगी वो 4 से 2, और थर्ड होगी वो 5 से 2, 5 to 8। क्लियर? अ मेटालिक क्रिस्टल ए बी इज HCP। HCP पैकिंग एफिशिएंसी 74%, सो वॉइड एफिशिएंसी इज 26%। सी हाउ लॉन्ग इज द क्वेश्चन, clearly taken from the lines of NCRT, clearly taken. The drug given during hypertension is Equanil, clear funda NCRT again. Find the general configuration of transition elements. बहुत लोग इसको NS2 कर देते हैं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर NS2 नहीं फॉलो करते, वो NS1 फॉलो करते हैं, इसलिए NS1 to 2 करना पड़ता है, और N-1D1 to 10, exactly the same answer. Option number 2. Light will dash when a strong beam of light is passed through colloidal. Tyndall effect, the light will be scattered. Tyndall effect hai ye. What is the coordination number of metal crystallizing in a HCP? Yaad karne wali cheez hai, 12 number hai. But ye cheeze yaad maine aapko karai bhi hai solid state mein. Aur aapko ye yaad honi bhi chahiye. The isopropyl alcohol, 1, 2, 3 OH. हीटेड विथ कॉपर क्रिस्टल्स टू गिव प्रोपीन बनेगा यहाँ पे, कॉपर, अच्छा एल्कोहल, सॉरी प्रोपीन नहीं बनेगा, ये तो प्रोपानोन बनाने वाली कहानी है, राइट, वेरी गुड, एसीटोन, ग्रेट। देन दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन ए। 35 क्वेश्चन में से मिनिमम अगर आपने पढ़ाई करी है नीट के लिए, 32-33 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस पे ही हैं, ये मानना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेट। देन यू हैव अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसको लेना चाहता है, देखिए 3p5 है, 2p5 है, 2p5 मतलब फ्लोरीन, 3p5 मतलब क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, फ्लोरीन की मैक्सिमम है, गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा, जेड विल हैव द मैक्सिमम, जेड हैविंग स्मॉलेस्ट साइज एंड मैक्सिमम जेड इफेक्टिव, W having electron affinity, what it says, and highest ionization potential. दोनों words आपको देखने रहेंगे. Ionization potential निकालना किस में से मुश्किल है? Fluorine में से निकालना बहुत मुश्किल है. तो Z will have highest electron ionization potential. Z, W and Z. W and Z. Electron affinity, sorry, chlorine has the maximum. So sorry for this. वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर इज 15-200, बाल्मर इज लाइमन बाल्मर अगेन, इट्स 3 to 2, 1/4 - 1/9। देन द वेव नंबर ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर Li2+Z2 के प्रोपोर्शनल है, Z2/N2, इट्स सिंपल, Z2/N2, ठीक है, फाइन, ग्रेट। ये जो आपने देखिए 9 लगाया है, ये लगाया है लिथियम के लिए Z2, Z इज, great, then you have, what is the answer that you're getting is 13-6800. CH3CH2CHO NaOH delta is aldol condensation, is aldol condensation. Kaise karte the isko? CH3CH2CHO + CH3CH2CHO, kya karne wale hain hum, iska h hata dijiye, yahan minus laga dijiye, theek hai, aur is minus ko CH2C O माइनस एच और प्लस पे अटैक करा दीजिए, सो व्हाट यू एक्चुअली गेट हियर इज इट CH3CH2COH, यहाँ पे अटैक उसने किया,
इस कार्बन पे इसने अटैक किया है तो CH2CHO, और इस कार्बन एक कार्बन मिस्ड है, इसी कार्बन पे आप लगाएंगे, नहीं एक कार्बन मैंने मिस कर दिया, सो सॉरी, ये तो नीचे वाला ही है, इट्स 1 2 3, CH2CHO तो यहाँ पे ही है, फिर इससे ये कार्बन ने अटैक किया CH2CHO, और इसी कार्बन पे एक CH3 इज वॉट यू गेट। आपने यहाँ पे एल्कीन अगर इसने बनाया है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि OH और CHO ऐसा ही है, 1 2 3 पे OH CH CH2 CHO, आंसर विल बी थर्ड का थर्ड पार्ट। कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट इज ड्यू टू वाइटामिन के, आप ऑलरेडी बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, वाइटामिन के ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है। अ पार्टिकल एक्स मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 एच अपॉन एम वी 1 दे रखा है। इफ अ पार्टिकल वाई हैज मास 25% एंड वेलोसिटी 75%, फाइन, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है, बस 0.25 × 0.75 करना है, क्योंकि एच एम वी तो 1 है ही, तो आंसर विल बी 1 upon 0.25 × 0.75, 5.33, वट एवर बी दी कैलकुलेशन जो आपका आ रहा हो वो आप देख सकते हो। द सम ऑफ एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन गैशियस से एक्वस हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करता है, फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा। व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन, ऐसे किसी भी केस में फिनॉल बनता ही बनता है, ये क्लियर थॉट है, फिनॉल बनेगा और CH2I बनेगा, सॉर्टेड। टू, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O3, 2x-6 = 0, x = +3। ध्यान रखिएगा सेक्शन बी के क्वेश्चंस आसान भी हो सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले 15 क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि आपको कौन से 10 करने हैं, बट डू प्लान विद द टाइम वेरी प्रॉपरली। NBS से एन ब्रोमोसक्सीनामाइड से आप यहाँ ब्रोमीन लगाओगे, अल्कोहलिक KOH से आप एलिमिनेशन कराओगे, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, आंसर आपका आएगा सेकेंड। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है NBS, एल्कीन के बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा देगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ FeF6, FeF6 में Fe इज इन 3+, 3+ में है, Fe खुद होता है 4s2 3d6, अभी ये हो गया 4s0 3d5। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड नहीं है, तो आपको यहाँ पे पेयरिंग नहीं मिलेगी, 5 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, आंसर विल बी 5.92, ठीक है। द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इन साइड रेड ब्लड सेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एंड द मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल्स इज सेमी परमीएबल, ऑस्मोसिस होगा। व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए दी ऑस्मोसिस होगा, पाई इज इक्वल टू इन सेल्स बिकम द सेल्स वर रिमूव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा एंड प्लेस्ड इन प्योर वाटर, CRT, सी दे रखा है, टी दे रखा है, आर तो हमें पता ही है, पाई निकालना है, सिंपल सवाल, 7.1518, मतलब क्वेश्चन 4 लाइनों का, सोल्यूशन हार्डली दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए, कार्बन इज 6, नाइट्रोजन इज 7, 13 एक फालतू है, 14, ऑक्सीजन इज अगेन हाउ मच, 8 +1 9 +1 10, कार्बन इज 6 + 3 9 9, देन यू हैव 8, N2 इज 14, CO इज 6 + 8 अगेन 14, तो यू हैव AD and E। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, PA नॉट दे रखा है आपको, 70, इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज, काई बी दे रखा है 0.2, तो ऑब्वियसली काई ए कितना हो गया 0.8, एंड द टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल दे रखा है 84, तो क्या है 84 इज PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी, क्या आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, PB नॉट निकालना है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशंस चैप्टर में, कितना आ रहा है 140। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, C2O4 2-, एक बाइडेंटेट लीजेंड है, 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, एक ही ऑप्शन में है, क्लोज कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर, अगर आपको पता हो तो स्विमिंग पूल्स में बोलते हैं कि क्लोरीन का पानी होता है, जस्ट बिकॉज उसमें जर्म्स मर जाते हैं, इसीलिए फॉर किलिंग जर्म्स, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम UiPS
थ्री बेसिकली, बट नीट बेस्ड मॉक टेस्ट पैटर्न, ऑल फ्रॉम केमिस्ट्री. वेरी वेरी इजी पेपर. आई वुड से एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर 150 मार्क्स एंड दैट विल ऑल्सो हैपन इन द नीट एग्जाम एज वेल. फाइन, जो भी डाउट्स हों इसमें आप क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा. कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. Hello everyone, hope your UITS went really well and this time you had a full mock NEET test with section A, section B. So we're going to discuss each question starting with the section botany, first A and then B. Let's get started. The first question says the bacteria present in the gut of several ruminant animals are the methanogens, the archaebacteria, which have a different cell wall than true bacteria and are responsible for formation of methane gas. Hence, third becomes the correct answer. Next is, which of the following possess vascular tissues but lack seeds? The seedless vascular plants are pteridophytes, which are called ferns. The cholenchymatous cells are much thickened at the corners due to deposition of the irregular thickening at corners of cellulose, pectin, hemicellulose, and hence third becomes the correct answer. During phloem transport, sugar is moved in the form of sucrose into the companion cells, then into the sieve tubes, and it is done by the active transport. Hence, companion cells active transport becomes the correct answer. The primary carbon dioxide acceptor in a C4 cycle is phosphoenol pyruvate, a 3-carbon compound, and the first stable product in C3 is a 3-carbon compound, the phosphoglyceric acid. Hence, both are 3-carbon. Hence, C is the correct answer. In glycolysis, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. In plants, this glucose is derived from the sucrose, which is transported to all the tissues in the form of this disaccharide, which is then broken down into glucose and fructose and entered into the glycolysis. The hormone which controls xylem differentiation and helps to prevent fruit and leaf drop at early stages but performs abscission of older mature leaves. Abscission of old but prevention of young is done by auxin. Factual to remember. Select the incorrect match. Perisperm is present in beet. Albuminous seed, castor is an albuminous seed and endospermic seed. Non-endospermic seed, barley, mostly all the monocot seeds are endospermic. Barley is also a monocot like wheat, rice, maize, and hence this becomes incorrect. Grasses are monocots, their scutellum embryo is covered by epiblast. So all the three are correct except C. Breeding program involved in creating the yellow mosaic or tomato mosaic resistance in mung bean is a mutational breeding experiment. The given diagram represents which phase of cell division. As you can see, all the chromatids, the separated chromatids, have reached their respective pole and there is cytokinesis initiation also, which is seen in telophase. And since chromatids are separating, which is like mitosis, and meiosis 2 is equal to the equational mitosis, hence telophase 2. Rate of formation of new organic matter at the level of consumers is called secondary productivity. If there are 999 bases in a RNA that codes for a protein, see each base, when three bases combine, they form one code. So 999 bases is equal to 333 codes. And 333 codes means 333 amino acids. Now if at 901 position, that means all the 900 bases are correct. By 300 bases are correct, 300 amino acids will be fine. So out of 333, 300 amino acids will be fine. How many will be altered? The rest which are left, that is 33, will be altered. An international treaty signed in Canada to control emission of ozone depleting substances was the Montreal Protocol in 1987. At least 66 variety of wheat was developed as a protein rich variety, the biofortified one. Basis of DNA fingerprinting is the VNTR, the variable number of tandem repeats. Next, roots play insignificant role in absorption of water in the aquatic plants. Amongst them, Pistia is aquatic, hence it is insignificant in Pistia. The species confined to a particular region and not found elsewhere is known as an endemic species. Rare is found nowhere. Select the incorrect statement. Leaves originate from shoot apical meristem. Yes. All types of leaves have venation. Yes. Simple leaves may have incisions which are not extending up to the midrib. They're slightly incised. Yes.
A bud is present in the axil of leaflet of compound leaf? No. No bud, no stipule. Hence, this is incorrect. Which of the following tissues is formed through dedifferentiation? That means it's a mature tissue, but now it loses its capacity of maturation or specialization and starts dividing. Is the phellogen, the cock cambium, which is formed by the dedifferentiation of cortical cells. Select the correct match with respect to the function of cell organelle. We know packaging is done by Golgi. Storage of proteins is by alleuroplast. Palates, granules are your ribosomes, and production of cellular energy is done by mitochondria. So D2 we have in these, and A as 4 we have in this. So you match first and last, all of them are going to be same if none of the other options is same. So easy way to do, match the column. In which type of cell C4 acids in maize are broken down to release carbon dioxide and 3 carbon molecule? The C4 cycle decarboxylation occurs in the bundle sheet cells of the C4 plants. Asymptote in a logistic growth curve is obtained. We mean asymptote when it becomes static or stable, when the carrying capacity becomes equivalent to the population density. Oxidation of one molecule each of NADH and FADH2 gives rise to in the electron transport system. When NADH and FADH2 are oxidized, there is oxidative phosphorylation and synthesis of ATP. NADH since starts distributing or transporting electron from a higher oxidation state produces more number of ATP, 3, and FADH2 produces 2. So 3 and 2 respectively. Consider the following events with respect to sexual reproduction and select the odd one out. There is gametogenesis and gamete transfer in the pre-fertilization phase. There is embryogenesis in the post-fertilization phase. Parthenocarpy is the development of embryo without fertilization phase, where the fertilization phase is missing, the key event of sexual reproduction. Hence, it is the odd one out. Given below is the representation of extent of global diversity of invertebrate groups. What groups the four options represent respectively? Since the maximum are insects, so A would be insects wherever we have A, insects in these two options. B, the second most largest phylum, that is mollusks. So whichever option gives us the same will be the correct answer. Nuclear energy was hailed as a non-polluting way of generating electricity, but lately it has been realized that use of nuclear energy can result in various serious problems like accidental leakage, safe disposal, genetic mutation, all of these. All of these. A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. Homozygous, dominant and recessive parents, as in Mendel's experiment. When the F1 plants were set, the resulting genotypes were in the ratio of, in F2 we see 1 is to 2 is to 1, where 1 is homozygous dominant, 2 is heterozygous tall and 1 is homozygous recessive. Mycorrhizae are the examples of the association of roots and fungi, the symbiotic mutualistic relationship. Consider the following statement with respect to Golgi and select the right choice. The cisternae are concentrically arranged near the nucleus, true. It is site of formation of glycolipids, true. Hence both A and B are correct. Glycolipids are formed in Golgi. Biogas produced in biogas plant includes carbon dioxide, hydrogen sulfide and methane. So whichever option says the same, the fourth is going to be the correct one. Which of the following is an edible fungi? Amongst them, Agaricus, the mushroom, Basidiomycetes is an edible fungi. Next, which one of the following elements in plants is not remobilized? See, amongst four, sulfur and calcium are immobile. But if to choose one, we will choose calcium as it is more immobile in comparison to sulfur. Which one of the following shows maximum genetic diversity in India? Rice, when we have about 1,000 species of rice. What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? When we have secondary consumer with a higher biomass and primary producer with a lower biomass, the inverted pyramid of biomass. Cell growth, normal metabolization and duplication of organelles occurs in which of the following? Usually confused between G1 and G2. In NCERT, the summary section says the respective line that in G1 phase, cell growth, normal metabolization and duplication of organelles takes place. Name the infectious agent. We are coming to section B now. That is a free RNA of a lower molecular weight that causes potato spindle tuber disease. It is a viroid which was discovered by Denner.
Coming to section B, the first question says, name the infection agent that is a free RNA of low molecular weight that causes potato spindle tuber disease. It's a viroid which was discovered by Denner. Next is, if the number of chromosomes in the spore mother cell of a bryophyte, spore mother cell is formed by the sporophyte which is diploid. If it is 12, then haploid condition would be 6. The number of chromosomes in the protonema, which is a haploid, rhizoids are also present with the haploid gametophyte. The foot is present in the sporophyte, so the answer would become the second option, which says 6, 6, 12. Next, which of the following is absent in most of the monocots? The phloem parenchyma is absent in most of the monocots. Fact based. If A and B are the stages of the cell, when present in the P and Q solutions, identify the nature of the solution. Remember that water always moves from a hypo to a hyper. That means if it is losing, the cell is hypo and the external solution is hyper. Whichever says P is hyper becomes the correct answer. Next is, what a splitting complex is associated with the PS2, which is present on the inner side of the thylakoid membranes on the oppressed portions. In electron transport system, the reduced ubiquinone is oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via BC1 complex. What is BC1 complex? 1 is NADH reductase, 2 is FADH2 coupled with succinyl dehydrogenase, 3 is your complex 3, which is BC1, that with the help of cytochrome C gives it to complex 4, which is AA3 or cytochrome oxidase. Next comes, which of the following statement is incorrect for gibberellin? They help in increasing the length of stalks. Yes, they do, because they increase the internodal length. They help in the malting process. Yes, because they have an enzymatic activity which also helps in the neutralization or mineralization of the nutrients from the embryo. Mobilization of the nutrients from the embryo. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth. No, that's formation of cytokinin. That's the function of cytokinin. Gibberellins promote bolting. Yes, they do in rosette plants. So 3 is incorrect. What will be the ploidy level of PEN and zygote if the male and female parents are tetraploid or hexaploid? So in that case, you have to identify the parent. What is the parent ploidy level initially? Now this ploidy level, which is given for parent, is the diploid condition. Let's say it's the diploid condition. So what is going to be the haploid condition for the parents? For male, it is going to be 2N, and for female, it is going to be 3N. And likewise, you can identify what will be the PEN. For PEN, we say male only one gamete is involved. That means one haploid, and female two haploid nuclei are involved. So the female is 3N plus 3N, male is 2N, it becomes 6N plus 2N, 8N. Likewise, the embryo is formed by the gametes, haploid gametes 2N and 3N, which is going to be 5N. So the answer would be 8N for PEN and 5N for zygote. Select the incorrect match. Manganese for photolysis of water, yes. Calcium for middle lamella, yes. Calcium pectate. Phosphorus is a component of ATP, true. Zinc is a constituent of most of the coenzymes A, no. Zinc is a constituent which is responsible for synthesis of auxin, and coenzymes are mostly containing sulfur. A DNA molecule in which both strands have radioactive thymidine is allowed to duplicate in an environment containing non-radioactive thymidine. After 3 duplications, what will be the correct number of DNA? See, since the DNA duplication or replication is a semi-conservative process, if initially I have 2 and rest successive as many as duplications do not have a radioactive material, I will have 1 old and 1 new. So 1 old and 1 new, this would be after 2 duplications. Even if there's 3, 6, 8, 10 duplications, I will only have 1 old in either of them. So 2 olds will make 2 radioactive thymidine irrespective of how many duplications it has. So 2 would be the right answer. Discovery of first antibiotic is created to or credited to Alexander Fleming while working with a Staphylococcus bacteria on a mold. Parasites evolve special adaptations in accordance with their lifestyles. Choose the odd one out. They have high reproductive capacity. Yes, they do. They have a simple life cycle and complex morphological features. They have a complex life cycle. The loss of unnecessary sense organs. Yes, they do not have unnecessary sense organs or digestive system since they have to directly derive nutrition from hosts. The second is incorrect.
In the following human pedigree, the fish symbols represent the affected individuals. Identify the type of the given pedigree. To analyze a pedigree, you just have to know two things. One, whether it is autosomal or sex-linked. Second, whether it is dominant or recessive. To check whether a disease is a dominant or recessive, just check in any of the generations. If the parents are not diseased and the offspring is diseased, that means it's a recessive disease, fixed. And to check whether it is autosomal or sex-linked should follow the crisscross inheritance, which has a golden rule. If the mother is diseased, that means both the X's, X chromosome have the defective gene, then it will definitely give it to the sons and all the sons will be diseased. But here the son is not diseased, the mother is diseased, but the son is not diseased. Hence, in this case, where the mother is diseased but the son is not diseased, it cannot be a sex-linked and it is going to be an autosomal recessive. Simple two things that you have to check. Next, features of cotton plant which lead to non-preference for jacids and cotton bollworm respectively are the hairy smooth leaf because it will help in trapping them. Second, last, underground stems of some plants spread to new species and when older parts die, new plants are formed, classically shown by the just above the ground modification of stem in runners, which is specifically mentioned in morphology of plants, characteristically shown by grasses and strawberry. So here is where we finish the discussion of botany section A and B. Thank you for attempting. Hello everyone, I hope your UITS went really well and in this particular video we'll be discussing the answers, solutions to the zoology section A and B. So let's get started. The first question says, which of the following is a bat sponge? The U. spongia is the bat sponge. Then, number of common characters are highest in the category C. Number of common characters means how many characters are shared commonly amongst the organisms, the ones which are more related. More related means they are more closely related to each other, which are from the lowest hierarchy of the taxonomical classification from species genus. Since amongst them the lowest is genus, it would have the maximum common characters amongst organisms. Following figure represents the columnar ciliated cells. They are characteristically found in either the upper respiratory tract or the fallopian tubes. Match the following. Vomiting is a reflex which is controlled by medulla. Diarrhea is the increased liquidity of the feces, and constipation again is retention of feces in the rectum. Inadequate enzyme secretion for spicy food is 1. So we will match first and last when A says 3 and only in one of the options it says D1, so this is going to be correct one. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides into the right and left bronchi just at the level of the thorax, that is T5. Fifth thoracic vertebra. A gene whose expression helps to identify transformed from the non-transformed is a selectable marker, a key structural feature of a cloning vector. An atrioventricular valve prevents the backflow or leakage of blood from ventricle to auricle, be it left or right, which is the first option. Which of the following hormones acts on both pancreas and gallbladder, the CCK, PZ, cholecystokinin, pancreozymine, for release of pancreatic juice and bile juice? Which one of the following A to D below correctly represents the structural formula of the basic amino acid? See, each amino acid is a substituted methane where I have the same carbon having the acid and the ammonia. The R or the alkyl group is the one which defines each amino acid. If it contains an extra amino group, then it is a basic amino acid, which is the D1 in the image. Placenta acts as an endocrine tissue and produces several hormones. Following are the hormones produced in women during pregnancy, except HCG, HPL and relaxin are produced only during pregnancy, besides estrogen, which is also produced in non-pregnant females. One amongst the following is not an autoimmune disease, it's a genetic disease which is due to decreased immunity, the SCID. Which of the following sets of diseases is caused by bacteria? See, smallpox, mumps, herpes, these are viral diseases. Only cholera and tetanus is the pair which is called by bacteria. In mollusks, the gills are present in the mantle cavity, which is present between the visceral hump and the mantle. So
in the mantle cavity. Intercalated is a characteristic feature of which of the muscle tissue? The cardiac tissue, which is responsible for transmission of impulse. The GFR or the glomerular filtration rate per day is 180 liters per day, 125 ml per minute. Which part of the nephron is called concentrating segment and it is permeable to water but almost impermeable to electrolytes? What is permeable to water but impermeable to electrolytes? The descending limb of loop of Henle. Resting membrane potential is maintained by the sodium potassium pump at minus 70 millivolts. Select the hormone from hypothalamus that does not reach the pituitary through portal circulation. The posterior pituitary hormones which are directly transported from the neurons of the hypothalamus, that is vasopressin and oxytocin. Acquired immunity is either cell mediated or humoral by B or T lymphocytes. So lymphocytes are responsible for them. After intake of alcohol, a person develops a staggering gait. This is due to alcohol's effect on cerebellum. Decline in pH causes dissociation of the hemoglobin from oxygen. This is known as the Bohr's effect. Increased carbon dioxide concentration, lower acidic pH will lead to dissociation of oxygen. Shift to the right. The next question says, study the flowchart, name the hormones labeled as A, B, C, D. The hypothalamus gives pituitary the gonadotropin release hormone and the pituitary releases the gonadotropic hormones which are LH and FSH. LH acts on the Leydig cells to secrete the testosterone and the FSH acts on the follicles to the Sertoli cells to give the inhibin or the concentrating hormones. So A becomes GnRH, so we have three options. B becomes LH which acts on the Leydig cells. We have two options. ICSH and LH is one of all the same thing. C becomes FSH, only one option. And D becomes testosterone or androgen. So second option becomes the correct answer. Next is the function of copper ions and copper releasing iodine is to decrease the mobility and the fertilizing capacity of the sperms. Amongst all the most appropriate, you would choose always the motility of the sperms. Then the wings of bird and wings of insects, since they have a similar function, different structure. Insects are invertebrates, birds are vertebrates. So we would say they are analogous structure which support convergent evolution. So the third becomes the correct answer. Biolistic or gene gun method is suitable for insertion of the foreign gene into the host cell or making the host cell competent, which we also say transformation of the host cell, usually plant cells. Which of the following are involved in stabilizing the three-dimensional folding of most of the proteins? Hydrogen bonds, electrostatic interactions, hydrophobic interaction, all of these, I would say all of these are involved in the stabilization. Next, a woman with blood group A marries a man with blood group B. What are the possible blood groups of their offsprings? If I look at all the possibilities, all the four blood groups can be formed A, B, AB and O. As the blood group of the female and the male can be IA, I0, IB, I0 and we, when we consider a cross with respective parents, it can show all the possible blood groups. So at 25% for each. Next, three of the following pairs of the human skeletal pairs are correctly matched. One is not matched. Find the incorrect one. Humerus and ulna, appendicular skeleton. Fine. They are the upper limb one. Malleus and stapes, ear ossicles, true. Sternum and ribs, axial skeleton present in the center. Clavicle and glenoid, pectoral girdle, not pelvic girdle. So fourth is the incorrect one. Outbreeding is an important strategy for animal husbandry because it is responsible for curing the inbreeding depression and hence the fourth becomes the correct option. Not true line or collection, that is by inbreeding. Fertilization of cockroach takes place in the fertilizing chamber, which is the genital pouch, not the uthika. It covers the fertilizer. Cocoon is a site of fertilization in earthworm. Which of the following is a stimulant? C, LSD, benzodiazepine and amphetamines, they are used as your antidepressants. Cocaine is the one which inhibits dopamine and acts as a stimulant. The specific palindromic sequence which is recognized by ECOR1 is GAATTC, which is the second option. Next says, which one of the following human organs is often called the graveyard of RBC? The fat, spleen are the graveyard of RBC and even the emergency blood bank. The components of the vestibular apparatus. Vestibular apparatus is responsible for maintaining the balance of the body, which is a semicircular canal, and the otolith organs which are present in your saccule and utricle.
The chronological order of human evolution from early to the recent is since Ramji was the most primitive, so we say Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, which gave rise to the Homo erectus, the second option. The next question says, match the following vertebrates with their respective characteristics. The first is the sawfish, the pristis, which has a long serrated snout. Second is the seahorse, which is a bony fish with a prehensile tail. Next is the cyclostomes, which migrate for spawning to the fresh water. And lastly, we have a cartilaginous fish, which has male pelvic fins for internal fertilization and VV padding. So we have D3 in 2, and we have C2 in 2. And we have B1 in 1, so only 1, A4. So first becomes the correct answer. All products of digestion enter the bloodstream except the triacylglyceride, because they are the lipids which enter lymphatic. Relaxation of diaphragm and external intercostal muscles lead to the dome-shaped diaphragm, increase the intrapleural pressure and expiration to increase pressure inside thoracic cavity. Which of the following is retained in small amount in blood of some animals to maintain the desired osmolarity? The urea for higher or hyperosmolar medulla in kidneys. Consider the diagram below and find the ones which are unpaired. The frontal and the occipital, A and D, are the unpaired ones. So A and D. Mark the correct option for the label parts A, B and C. A is the depolarization, B repolarization and C hyperpolarization. So the third option. Which of the following is not true with respect to effect produced by principal glucocorticoids in the body? The one which control the glucose metabolism, regulate the balance of water, it is done by the mineralocorticoid aldosterone. The first only is incorrect. They stimulate gluconeogenesis, lipolysis and cellular uptake. Mark the incorrect match. Genital warts by papilloma virus, true. Chlamydiasis is caused by chlamydia, which is a bacteria, not trichomonas vaginalis. It causes leucorrhea. So this is a mismatch. Syphilis is by treponema pallidum, gonorrhea benesine, gonorrhea. Second is a mismatch. If a red Sindhi cow is made with Jersey bull, it is an example of crossbreeding, where two different breeds are crossed. In Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of heterozygous individual is represented by 2PQ, because that is what is the representation. Dash is a group of related genera. Family is a group of related genera. The order Carnivora has families like Felidae and Canidae. So fourth becomes the correct answer. Some epithelial cells are held together through tight junctions which prevent leakage of substances. They are responsible for cementing the cells, transfer ions, no transfer of ions through tight junctions, only gap junctions transfer. In cockroach, the body, in spite of being covered by an exoskeleton, remains flexible due to the arthrodial membranes. Refer to the sketch with the four samples and you have to identify which lane contains the smallest piece of DNA. Did not undergo restrict digestion. Okay, the one which did not go undergo digestion is the third one, which does not undergo digestion. So the first becomes the correct option. Match the items given in column 1 with column 2 and select the correct option given below. The proliferative phase is the follicular phase, the secretory phase is the luteal phase, and the breakdown is the menstrual phase. So we have C1 and we have B3 and A2. So the fourth becomes the correct option. So here is where we finish the discussion of zoology section A and B. Thank you for attempting.